नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक शर्मा, गैलेक्सी ऑनलाइन बर्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिएगा, आज हम एक नई पहल के साथ, नए जोश जुनून के साथ आपके सामने आए हैं। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और देखिएगा, आज हम परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, ज़्यादातर बच्चे जुड़ चुके हैं। सुरेश कुमार मीणा, जय श्री राम, बसंत कुमार, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, मनोज मनराज मीणा, गुड इवनिंग, ऋषिकेश मीना, नमस्ते भाई, नमस्ते, राम प्रसाद नाथ, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सभी लोग जुड़ जाइए, फटाफट से जुड़िएगा प्लीज़। सभी बच्चे जुड़ जाइएगा, काफ़ी बच्चे। हाँ भाई, सभी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। हाँ भाई, सुरेश कुमार मीणा, और एक बार बताइएगा आपको क्लास, आपको आवाज़ तरीके से आ रही है। सभी लोग जुड़ जाइए भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार मुझे बताना है, क्लास आपको तरीके से देख पा रहे हैं आप, आवाज़ सुन पा रहे हैं? एच आर मीना, राम राम भाई, राम राम। तो देखिएगा, सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ भाई, सभी बच्चे जुड़ जाइए प्लीज। हाँ भाई, विकास, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सभी बच्चे जुड़िएगा। और देखिएगा, आज हम फिर एक नए चैप्टर के साथ, और ये ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि अर्थमेटिक का एक बैकबोन कहलाता है। जो अर्थमेटिक मतलब काफ़ी चैप्टरों को अकेले परसेंटेज के दम पर उड़ा सकते हो आप, काफ़ी भयंकर होता है। और देखिएगा, सबसे अच्छी बात, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका रिवीजन होगा, क्योंकि ज़्यादातर बैचों में मैंने परसेंटेज कंप्लीट करा ही चुका हूँ। तो आपका इस वजह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, विकास गुड इवनिंग, निकिता गुर्जर, काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं। तो देखिएगा, जुड़ जाइए। और प्लीज़ देखिएगा, सभी स्टूडेंट एक बार एक काम जरूर करिएगा, आप अपने स्टेटसों पे, अपने जहाँ भी आप क्लास को शेयर कर सकते हो, ठीक है, वहाँ करें आप लोग, ठीक है ना, चलिएगा। तो देखिएगा, वही वाली बात, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों, ठानो और आगे बढ़ते चलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, ज्यादातर बच्चे जुड़ रहे हैं। हाँ भाई, लेखराज मीना, विकास कुमार, नवराज सैनी, सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिएगा, तो देखिए, आज हम स्टार्टिंग करते हैं, और ये स्टार्टिंग बड़ी खतरनाक स्टार्टिंग होने वाली है, बड़ी जोश जुनून के साथ जबरदस्त स्टार्टिंग होने वाली है। और देखिएगा, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये परसेंटेज चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज, परसेंटेज मतलब प्रतिशत, ठीक है ना। देखिएगा, प्रतिशत को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रतिशत, परसेंटेज। सभी लोग जुड़ जाइएगा, परसेंटेज। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, चलिएगा। हाँ भाई, देखिएगा, इधर देखिएगा, देखिएगा, सबसे पहले ये सोनू कुमार मीना, यस, देखिएगा, सबसे पहली बात तो भागचंद मीना, विमल कुमार, सभी का स्वागत। देखिएगा, सबसे पहली बात तो, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि भाई, परसेंटेज क्यों हम परसेंटेज को अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। देखिएगा, परसेंटेज का बैकबोन होता है, ठीक है ना। यदि आपका परसेंटेज बहुत ही शानदार है, तो आपके आने वाले जो भी चैप्टर है, ठीक है, चाहे आपका प्रॉफिट लॉस हो, लाभ हानि हो, चाहे आपका डिस्काउंट हो, या फिर आपका सीआई एंड एसआई हो, ठीक है ना, ये जो चैप्टर देख पा रहे हैं ना आप, ठीक है, ये जो परसेंटेज तो अपने आप में है ही है, ये जो चैप्टर आप देख पा रहे हैं, ये तो 100% परसेंटेज के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना, इनसे तो ये तो परसेंटेज के ऊपर ही डिपेंड है ज्यादातर चैप्टर, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे की भी आप कोई भी चैप्टर्स की बात करते हो, ठीक है, चाहे आपका रेशो प्रिपोरेशन हो, अनुपात समानुपात हो, एवरेज हो, आयु हो, कोई सा भी चैप्टर हो, अर्थमेटिक में परसेंटेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूज होता है। तो इसलिए हम परसेंटेज की ओर देखो, इसमें अब जो मैं करने वाला हूँ, काफ़ी चीज़ें और भी एक्स्ट्रा लेके चलने वाले हैं इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद, जैसे कि आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, ठीक है ना, एसएससी, बैंक और रेलवे, इन तीन एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इन तीनों एग्जामों के पिछले साल के क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर भी कराने वाला हूँ। तो देखिएगा, परसेंटेज आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये रिवीजन क्लास का नाम दिया है हमने, ठीक है। इस महीने से जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का रिवीजन बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन हो जाएगा, आपका अपने घर बैठे, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे अपना रिवीजन करिएगा। चलिएगा दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं, एक बार यस कर दो, यस सर, स्टार्ट।
हाँ भाई एक बार सभी यस कर दे और देखिएगा तैयार हो जाइए। हाँ भाई ठीक है ना, चलिएगा। तो देखिएगा प्रतिशत, देखो बच्चों हम प्रतिशत की बात करते हैं, प्रतिशत है क्या? देखो सबसे पहली बात परसेंटेज है क्या, क्यों परसेंटेज, इसका मतलब क्या है? तो देखिए दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है, देखिएगा। देखो मैं बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा और एक टॉप लेवल तक का पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। देखिए आज तक आपने डेफिनेशन भी पढ़ रखी होगी कि भाई किसी चीज की 100% गणना करना प्रतिशत कहलाता है, ठीक है ना। मतलब आप जैसे कि कोई वस्तु की वैल्यू 100% कितनी होगी, ठीक है ना, किसी की कोई चीज की जो वैल्यू है वो 100% कितनी होगी, ठीक है, ये प्रतिशत होता है। देखो कैसे, हाँ भाई ये गगन दीवान, यस हाँ भाई चलिएगा। तो देखिएगा हम इसके नाम से ही पता करते हैं, ठीक है। देखिएगा भाई आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसको प्रति प्लस सत लिख सकते हो, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, या फिर इंग्लिश में आप इसको पर प्लस सेंट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भाई? पर प्लस सेंट, ठीक है ना। अब आप देखिएगा आपको मालूम है कि भाई प्रति का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर प्रति का मतलब एक होता है, ठीक है भाई। आप बोलोगे भाई प्रति कोई भी वस्तु, ठीक है ना, पर वस्तु, ठीक है ना, प्रति वस्तु, प्रति का मतलब हुआ एक हुआ, ठीक है। और आप जानते हो सत का मतलब होता है 100 होता है, सत का मतलब क्या होता है 100 होता है। आप बोलते हो ना शतक लगा दिया, रोहित शर्मा ने शतक लगा दिया, विराट कोहली ने शतक, शतक मतलब 100 रन बना लिए, ठीक है ना। तो ये जो शतक बनाए सत से बनाए, ठीक है ना, सत का मतलब क्या हुआ 100 हुआ। या फिर इंग्लिश में देखा जाए तो देखिएगा बेटा, देखो हम बाइलिंगुअल पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ने वाले, ठीक है ना। पर का मतलब होता है वन होता है भाई, पर का मतलब क्या है वन, ठीक है ना। आप बोलते हो ना कि भाई पर स्टूडेंट अपना अपना पेन निकालो, है बोलते हैं ना, पर स्टूडेंट अपनी अपनी कॉपी खोलो, ठीक है, टीचर बोलता है ना। अब आप मेरे सामने नहीं हो पर मैं बोल सकता हूं आपको, ठीक है ना, कि भाई पर स्टूडेंट, पर का मतलब एवरी, ठीक है ना, आई ना बात समझे, प्रत्येक, ठीक है ना। पर का मतलब हुआ एक हुआ, ठीक है ना। सेंट का मतलब होता है 100, आप बोलते हो ना सेंचुरी, सेंचुरी लगा दी, सेंचुरी मार दी, ठीक है ना, सेंचुरी मतलब 100 रन बना लिए, आई ना बात समझ में। तो भाई पर का मतलब हुआ वन, सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। तो इसको आप पर 100 भी बोल सकते हो भाई, क्या बोल सकते हो भाई, पर 100 भी बोल सकते हो, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको परसेंटेज ही बोलो, आप इसको पर 100 भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप प्रति 100 भी बोल सकते हो भाई, क्या बोल सकते हो, प्रति 100। देख लो ना मैं कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है, इसके नाम का मतलब बोल रहा हूं मैं, ठीक है, कि भाई प्रति का मतलब एक होता है, सत का मतलब 100 होता है, आप इसको प्रति 100 भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, प्रति 100, ठीक है ना भाई। प्रति का मतलब एक हुआ, सत का मतलब 100 हुआ, या फिर इंग्लिश में पर का मतलब वन हुआ, सेंट का मतलब 100 हुआ, तो ये पर 100 होता है, ठीक है। पर ये तो इंग्लिश में बोलोगे, ये हिंदी में बोलोगे, पर हम तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं भाई, गणित की भाषा यूज करनी है, ठीक है, गणित में क्या बोलोगे, मैथमेटिक्स में क्या बोलोगे। तो देखिएगा दोस्तों मैथमेटिक्स में प्रति 100 को आप 1/100 लिखोगे, क्या लिखोगे माय डियर, 1/100 लिखोगे, मतलब आप बेस 100 हो गया आपका, ठीक है, प्रति 100, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1/100, और ये जो प्रति 100 होता है ना, यही आपका क्या है, प्रतिशत कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिएगा मैथमेटिशियन ने क्या किया, इस चिन्ह को आप देखो 1/100 लिखोगे तो आपको स्पेस ज्यादा चाहिए, जगह ज्यादा चाहिए, तो जगह को बचाने के लिए, जगह को कम करने के लिए एक सिंबल बना दिए, इस सिंबल से डिनोट किया, और ये जो सिंबल है ये परसेंटेज का सिंबल होता है, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है भाई, ठीक है ना, सिंबल ऑफ परसेंटेज होता है भाई, प्रतिशत का चिन्ह होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कभी भी आपसे आज के बाद कोई भी पूछे कि भाई प्रतिशत का मतलब क्या है, कभी भी आपसे पूछे कि भाई प्रतिशत का मतलब क्या है, तो दोस्तों आप क्लियर बोलोगे प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 होता है, पर 100 होता है, ठीक है ना, और कुछ बोलना ही नहीं है आपको, बिल्कुल परफेक्ट जवाब देना है। और ये 1/100 जो आया है वो कहां से आया है, आपको दिख पा रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा, ठीक है ना। तो आज के बाद आपसे कभी भी कोई बात करे कि भाई प्रतिशत का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब होता क्या है, तो आप क्लियर बोलोगे 1/100 होता है, खत्म, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर, बिल्कुल परफेक्टली आंसर है, ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्टली आंसर है, ठीक है ना, क्लियर है। या फिर आप यह कह सकते हो कि किसी चीज की 100% वैल्यू कितनी है, 100% गणना करना, ठीक है ना। तो आप देखिएगा जब आपने बेस ही 100 हो गया तो गणना 100 पे ही होने वाली है भाई, आप बेस देखिएगा ना, ये बेस 100 हो गया तो आप क्लियर कहोगे कि गणना भी किस पे होने वाली है, 100 पे ही होने वाली है। तो ध्यान रखना प्रतिशत का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, 1/100, खत्म, स्क्रीनशॉट लेना ना भूले, ठीक है ना, क्लियर। तो आपके ये बातें क्लियर हुई,
ठीक है ना। और ये सिंबल सिंबल क्यों यूज किया है हमने, क्योंकि भाई आप 1/100 बार बार लिखोगे तो आपको स्पेस ज्यादा चाहिए, एक स्पेस को कम करने के लिए 1/ ये सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे कि भाई प्रतिशत का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या है, तो आप सीधा बोलोगे 1/100, खत्म, क्लियर है ना। या फिर ये कह सकते हो किसी चीज की 100 पर वैल्यू, जैसे कि मैं ये कहूं कि भाई ये 25 है, ठीक है ना, 25% है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई 25 का मान 100 पर कितना होगा, 25 का मान 100 पर कितना होगा, ठीक है ना, ये परसेंटेज होता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो भाई पर 100, ठीक है ना, प्रति 100, ठीक है। तो किसी चीज की 100 पर गणना प्रतिशत कहलाता है, और प्रतिशत का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, 1/100 होता है, क्लियर है ना। चलिएगा, अब आप देखिएगा इसको कन्वर्ट करना सीखते हैं, देखिएगा इसका कन्वर्जेशन पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, देखिएगा प्रतिशत को भिन्न में बदलना, परसेंटेज कन्वर्ट टू फ्रैक्शन, भिन्न में बदलना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले सुन ले, परसेंटेज कन्वर्ट टू फ्रैक्शन, परसेंटेज कन्वर्ट टू फ्रैक्शन, ठीक है ना, परसेंटेज कन्वर्ट टू फ्रैक्शन, ठीक है ना, क्लियर। अब आप देखिएगा यहां पर, देखिएगा इधर, देखिएगा समझ रहे हैं ना आप लोग, हाँ भाई देखिएगा, जैसे कि ये 20, आप मुझे ये बताइए ये 20 है क्या, ये 20 है क्या, आप मुझे ये बताइए यहां पर ये 20 है क्या, तो आप कहोगे सर एक नंबर है, एक क्या है, नंबर है, ठीक है ना। बट अब क्या बन गया, ये 20% हो गया, अब इसका मतलब चेंज हो गया, इसका मतलब पूर्ण रूपेण चेंज हो गया। जैसे कि मैं कहूं भाई बाहर कौन खड़ा हुआ है, आप कहोगे सर एक आदमी खड़ा हुआ है, बट वही आदमी यदि पुलिस की वर्दी में है तो आप क्या कहोगे सर पुलिस वाला खड़ा हुआ है, सिर्फ उसकी वर्दी से मतलब चेंज हुआ है ना। तो इसी तरीके से ये 20 एक संख्या है, बस अब ध्यान रखिएगा ये सिंबल लग गया ना, तो अब ये क्या बन गया, 20% बन गया, 20% बन गया। अब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो देखिएगा आप इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि कोई भी संख्या है ये 5x है, तो आप कह सकते हो कि ये 5x का मल्टीपल है, ठीक है ना, 5 × x है ये, इसका मतलब क्या है, ये 5 × x, यहां पर ये सिंबल नहीं लगा हुआ है तब भी आप क्या कहोगे, ये 5x का गुना है, ठीक है ना, चलिएगा, ठीक है भाई। काफी बच्चे जुड़ रहे हैं, और देखिएगा ये बच्चे कौन कौन से जुड़े हैं, सुमेर मीना, जयश्री श्याम, HR मीना, सुरेश कुमार मीना, हाँ भाई ये राधे मीना, सर ये तो ऑफलाइन पढ़ा दिया है अब तो क्वेश्चन, हाँ भाई एक बार बेस तो देखो, जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको एक बार बेस तो मैं थोड़ा सा देखो बेस तो कराऊंगा, ठीक है ना, जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा सा बेस तो आना चाहिए भाई, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दूंगा तो आपको तो फायदा हो जाएगा, ठीक है, पर आपका रिविजन हो जाएगा तरीके से, कोई बात नहीं, एक दो दिन बेस चलेंगे अपना, ठीक है ना, मस्त रहिएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा, देखो यहाँ पर 20%, अब आप देखिएगा 20, अब आप इस सिंबल को हटाओगे, आप इस सिंबल का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है, 1/100 होता है, ठीक है ना। या फिर देखा जाए तो आपको पता है कि भाई 100 का क्या लग रहा है, भाग लग रहा है, डिवाइडेड बाई 100, क्यों लग रहा है, क्योंकि किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो देखा जाए तो 100 से क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, ठीक है। पर आपको मालूम होना चाहिए भाई 100 से क्यों भाग हो रहा है, समझ में आई ना बात, ये गुना होता है एक्चुअली, क्योंकि इस चिन्ह का मतलब ही क्या होता है, 1/100 होता है, तो देखा जाए तो यहां पर 100 का क्या लग रहा है, भाग, क्योंकि किसी संख्या को एक से गुना करते कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितनी बार कट चुका है, 5 बार, और ये कितना हुआ, 1/5। आप जानते हो ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है न्यूमरेटर, ठीक है ना, अंश होता है न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है डिनोमिनेटर। और ध्यान रखिएगा अंश और हर की फॉर्म में होता है, अंश और हर के जो रूप में होता है ना, यही क्या बोला जाता है, भिन्न बोला जाता है, फ्रैक्शन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ये फ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है ना, भिन्न होता है, ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिएगा और देखिएगा, जैसे कि यहां पर हम बात करें कि जैसे कि ये 35% है, ठीक है ना। अब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 35 आप सिंबल हटाओगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1/100, या फिर 100 का भाग लगाओगे, क्लियर है ना। तो आप देखिएगा 5 से काटेंगे 7 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा, 20 बार, तो आप कहोगे 7/20। आप जानते हो ऊपर वाला क्या है, अंश न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या है, हर डिनोमिनेटर, और अंश और हर के रूप में होता है क्या कहलाता है, फिर निकलाता है, क्लियर है ना। चलिएगा फिर उसके बाद जैसे कि और भी देखिएगा,
यहाँ पर ये देखिएगा 11:1/9% 11:1/9%। अब इसको आप सिंपल करोगे, अभी ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप सिंपल करोगे तो यहाँ पर देखो 11:99 और एक कितना बनेगा 100/9 बनेगा। आप चिन्ह हटाओगे किससे, गुना करोगे 1/100 से। तो देखिएगा दोस्तों इसको आप सिंपलीफाई करोगे ये कितना बनेगा 1/9, और ऊपर वाला क्या है अंश, नीचे वाला क्या है हर, और अंश और हर के रूप में होगा क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, भिन्न कहलाएगा। अंश और हर के रूप में होगा क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। क्लियर है ना, डन, मामला क्लियर है, चलिएगा ठीक है, सभी के क्लियर है ना। तो आप ध्यान रखिएगा प्रतिशत को आप भिन्न में कन्वर्ट करोगे, आप मल्टीप्लाई किससे करोगे 1/100, या फिर यहां पर 100 का क्या लगाओगे, भाग लगाओगे। 100 का क्या लगाओगे, भाग। विकास मीना गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कौशल मीना, गुड इवनिंग, हाँ भाई ओके बहुत बढ़िया। HR मीना सभी को नमस्कार, क्लियर है ना भाई, क्लियर है पक्की बात, स्क्रीनशॉट लेते चले चलिएगा। और देखिएगा जैसे कि यदि पॉइंटों में आ जाए, जैसे कि देखें आप यहां पर ये 14.5% है, अब इसको आप कन्वर्ट करोगे ठीक है ना, पॉइंटों में आ गया तो आप देखिएगा यहां पर 14.5, अब आपको पता है सिंबल हटाओगे, चिन्ह हटाओगे, भाग किसका लगाओगे 100 का, अब आपको पता है ना किस तरीके से ठीक है। अब आप देखिएगा यहां पर पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, तो आप कहोगे एक अंक है तो यहां पर 10 लग गई, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहां पर 5×2=10 बनेगा, और ये 9×5=45, 29, और यहां पर देखिएगा कितनी बार, 200 बार, तो आप कहोगे 29/200 ये आपका क्या बना आंसर, मतलब ये क्या बनेगी भिन्न। ऊपर वाला क्या है अंश, नीचे वाला क्या है हर, और अंश और हर के रूप में होगा क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा ठीक है ना। आप किसी को भी बना सकते हो भाई ठीक है ना, चाहे पॉइंट में हो, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि भाई आप है ना 2.5%, इसको आप कन्वर्ट करो ठीक है ना, भिन्न में कन्वर्ट करो, तो आपको पता है ये 2.5 है, आप परसेंटेज हटाओगे, भाग 100 का लगाओगे, पॉइंट हटा 0 ठीक है ना, आप 5 से काटेंगे 25 से काट दो डायरेक्ट, 25×100 तो ये कितना बना, यहां पर 40 बनेगा ठीक है ना। तो ये क्या हुआ 1/40 हुआ, या फिर 0.4 हो गया, क्या हो गया 0.4 हो गया ठीक है ना, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई किसी को भी बना सकते हो ठीक है ना। आपसे कभी भी पूछा कि भाई प्रतिशत को आप भिन्न में कन्वर्ट करोगे, परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, आप तुरंत बोलोगे क्या होगा 1/100 होगा भाई, क्या होगा 1/100, खत्म। क्लियर है ना, क्लियर है सभी के, क्लियर है, एक बार यस और नो बोले भाई, सभी के क्लियर है पक्की बात, चलिएगा। हाँ भाई अब देखिएगा इसका दूसरा, देखिए अभी तो आपने क्या किया, परसेंटेज को कन्वर्ट किया है फ्रैक्शन में, अब इसका उल्टा कर रहे हो आप, विपरीत करोगे ठीक है ना। तो देखिएगा दोस्तों उल्टा करोगे ना, तो देखिएगा अभी देखिएगा, अब आपसे यदि पूछा जाए कि भाई भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करो ठीक है ना, आप है ना यहां पर भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, भिन्न को परसेंटेज में बदलना ठीक है ना, फ्रैक्शन कन्वर्ट टू परसेंटेज ठीक है ना, ध्यान रखिएगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कन्वर्ट टू परसेंटेज ठीक है ना, फ्रैक्शन कन्वर्ट टू परसेंटेज ठीक है ना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। चलिएगा देखिएगा, जैसे कि ये 3/4 3/4, आप ये बताइए 3/4 है क्या ठीक है ना। हाँ भाई दिव्या शर्मा गुड इवनिंग, हाँ भाई सभी, सुमेर मीना, सुरेश मीना, यस ओके चलिएगा। तो देखिएगा 3/4, आप ये बताइए 3/4 है क्या ठीक है, ये 3/4 है क्या, आप कहोगे सर फ्रैक्शन है, 3/4 क्या है फ्रैक्शन, क्यों फ्रैक्शन है, ऊपर वाला क्या है अंश है न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या है डिनोमिनेटर, और अंश और हर के रूप में होगा क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। मैं बिल्कुल आपको छोटी छोटी चीजों से साथ लेकर चल रहा हूं ठीक है ना, क्योंकि जब तक ये छोटी छोटी बातें नहीं होंगी तब तक आप एक ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाओगे ठीक है ना। चलिएगा अब आप देखिएगा इसको आप कन्वर्ट करेंगे, आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे ठीक है ना, क्योंकि भाई अभी आपने प्रतिशत को भिन्न में बदला तो आपने 1/100 से गुना किया, अब आप इसका अपोजिट करोगे तो ये 100/1 होगा, और किसी भी संख्या में एक का भाग लगाते कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो ध्यान रखिएगा यहां पर 100 का क्या हो रहा है, गुना करेंगे ठीक है ना। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट चुका है यहां पर कितनी बार 25, और ये कितना बन गया 25% बन गया, 25% बन गया ठीक है ना, क्या बन गया 25% बन गया, क्लियर है ना भाई। फिर देखिएगा जैसा कि आपसे पूछा जाए कि भाई यहां पर ये 1/6 है, 1/6, आप ये बताइए 1/6 होता क्या है, आप कहोगे सर भिन्न है ठीक है ना, फ्रैक्शन है, अब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 1/6 गुना मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से। अब आप देखो ये सिंप्लीफाई हो रहा है यहां पर ठीक है, ये 2 से करेंगे 3 बार, और ये कितनी बार 50 बार, तो आप कहोगे 50/3, अब इसको आप कन्वर्ट करोगे देखिएगा
बल्कि मैं मिक्स फ्रैक्शन की अलग से पूरी क्लास लेने वाला हूँ, फ्रैक्शन के बारे में पूरा डिटेल आपको समझाने वाला हूँ। फिर भी चलो यहाँ पर आए हैं तो अभी हम यूज कर लेते हैं। तो आप कुछ इस प्रकार से भाग लगाते हो ना, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 6 3 1 3 कितना बचा 2 और 3 6 कितना होगा यहाँ पर 18, तो रिमेनिंग कितना बचा 2 बचेगा, ठीक है ना। अब आप देखिएगा, आप जानते हो यहाँ पर ये 3 क्या होता है, आपका 3 होता है भाजक होता है, डिवीजर होता है, क्या होता है भाई, डिवीजर होता है, ठीक है ना। और ये 16 क्या होता है, ये क्यूशेंट होता है आपका, क्यूशेंट मतलब भागफल होता है, क्या होता है भाई, भागफल, ठीक है ना, क्लियर। और ये जो 2 है ये क्या कहलाता है आपका, शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है ना, क्या होता है भाई, शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ध्यान रखिएगा कभी भी शेषफल का मान कभी भी भाजक से ज्यादा नहीं होता, बराबर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे कि मान के चलो आप यहां पर 3 रखोगे तो 3 से 3 डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। यदि आप यहां पर 4 रखोगे तब डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, आई ना बात समझ में, ठीक है, तब भी डिवाइड होगा, पर रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ध्यान रखिएगा कभी भी है ना शेषफल का मान है ना इस भाजक के ना तो बराबर होगा ना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना, आई ना बात समझ में, ना तो बराबर होगा ना ही ज्यादा होगा। अब आप इसको मिश्रित भिन्न में लिखोगे ना, तो ये ध्यान रखिएगा ये मिश्रित भिन्न में हो चुका है यहां पर 16 सही 2/3 हो चुका है। और ध्यान में रखिएगा लाइन के बराबर में हमेशा आपका क्या होता है, भागफल होता है, क्यूशेंट होता है, लाइन के बराबर में हमेशा क्या होगा, भागफल होगा, और ऊपर ही ऊपर हमेशा क्या होगा, शेषफल। देखिए छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों से नहीं बनती है, मैं वो सब बातें साथ लेकर चल रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइन के बराबर में हमेशा क्या होगा भाई, भागफल होगा, और ऊपर ही ऊपर क्या होगा, शेषफल होगा, और नीचे क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा ये भाजक होगा, क्या कहलाएगा, भाजक। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कभी भी शेषफल का मान भाजक से ज्यादा नहीं होता, कभी भी शेषफल का मान भाजक से ज्यादा नहीं होता। हम ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, कभी भी बेटा बाप से बड़ा नहीं होता, मिश्रित भिन्न में मिक्स फ्रैक्शन में कभी भी शेषफल का मान भाजक से ज्यादा नहीं होगा, पर ये कभी कभार करेगा बड़ा होने की कोशिश, तो इसको छोटा करना पड़ेगा। पर ध्यान रखिएगा कभी भी शेषफल का मान भाजक से ज्यादा नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा भाई लोगों, क्लियर है ना। तो आपके बातें क्लियर हुई कि कभी भी शेषफल का मान भाजक से ज्यादा हो नहीं सकता, और ध्यान रखिएगा कभी भी शेषफल का मान भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका परसेंटेज मान क्या बना यहां पर, आप लिख लेना, ये 16 सही 2/3 परसेंट बना, 16 raised to 2/3 परसेंट बनेगा माय डियर, क्या बनेगा, 16 सही 2/3 परसेंट बनेगा, क्लियर है ना। अरे हाँ ना बोलिए भाई, यहां पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले और क्लास को दबा के शेयर कर दो भाई, ठीक है ना, दबा के शेयर कर दो, 15-16 बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसको 30-35 तक पहुंचा दो, फटाफट से शेयर कर दो, ठीक है ना। देखो मैं पूरा 10:30 मतलब पूरा 10-10:15 बजे तक पढ़ाने वाला हूं, और खतरनाक तरीके से आपका पूरा रिवीजन कराने वाला हूं, पर क्लास को दबा के शेयर कर दो, ठीक है ना, कमेंट और शेयर में तो कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, जवाब दीजिए बिल्कुल, आप पूछिए, ठीक है ना, चलिएगा, क्लियर है ना भाई, ओके, चलिएगा। अब हम आगे की बातें करते हैं, तो आपने एक चीज क्लियर से सीख ली कि भाई प्रतिशत को आप भिन्न में चेंज करोगे और भिन्न को प्रतिशत में, और देखिएगा और एग्जांपल लेते हैं, चलिएगा, जैसे कि ये 2/3 2/3 आप ये बताइए 2/3 है क्या, अरे बोलिए भाई ये 2/3 है क्या, आपको रटना नहीं है चीजें, ठीक है, 2/3 है क्या, ठीक है ना, 2/3 है क्या भाई, बोलिए भाई 2/3 है क्या, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, और क्यों है, ठीक है, ये है क्या, फ्रैक्शन है और क्यों है, बताइए क्यों है। तो आप कहोगे सर ये अंश बटा हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ज्यादा नहीं बोलना आपको, ठीक है ना, देखो आप एक बात ध्यान रखें कि ज्यादा नहीं बोलना आपको, ठीक है ना, बस टीचर ही बोले अच्छी बात है, ठीक है ना, स्टूडेंट को ज्यादा नहीं बोलना, ठीक है, उनको कंपटीशन के अकॉर्डिंग ही बात करनी है, आपको पता है आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो सीधा शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देना आना चाहिए, अंश बटा हर के रूप में होगा क्या कहलाएगा, विंड, खत्म, एन अपॉन डी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटा हर, खत्म, ठीक है। अब आप देखो इसको सिंपलीफाई, आप इसको भिन्न में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे, आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यही करोगे ना। अब आप देखिएगा इसको आप देखेंगे तो ये कितना बनेगा, 200/3 बनेगा। अब आप डायरेक्ट कन्वर्ट करो, डायरेक्ट करो, ठीक है ना, आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है ना। देखिएगा मैं दोनों तरीकों से कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं आपको, देखिएगा यहां पर देखिए ये 3 6 कितना होगा यहां पर 18,
छत्तीस अठारह, फिर कितना बचा, ये जीरो बचे, यहां पर कितना बचेगा दो, और ये छत्तीस अठारह और ये कितना बचा दो बटा तीन बचेगा, क्योंकि आपको पता है लाइन के बराबर में हमेशा क्या होगा भागफल होगा, क्या होगा भाई भागफल होगा, लाइन के बराबर में हमेशा क्या होगा भागफल, ऊपर ही ऊपर क्या होगा शेषफल। हम तो सर पहले ही कम बोलते हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। लाइन के बराबर में क्या होगा भाई भागफल होगा, ऊपर ऊपर क्या होगा शेषफल, नीचे क्या है यहां पर भाजक होगा, ठीक है ना। अब इसको पॉइंट में भी तो पूछ सकता है भाई, पॉइंट में निकाल लो, फर्क क्या पड़ता है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिएगा, देखो कैसे भी आए आंसर, ठीक है ना, या तो ऑप्शन में पॉइंट में दे रखा होगा, पॉइंट में नहीं तो फ्रैक्शन में दे रखा होगा, आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, ठीक है ना। अब आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, देखिएगा भाई यहां पर देखिए छत्तीस अठारह, फिर छत्तीस अठारह, ठीक है ना, फिर पॉइंट लगाया आपने, फिर कितना बचा, फिर दो बचा, फिर जीरो लगाई, फिर कितना हुआ छत्तीस अठारह, ये भी छत्तीस अठारह, तो आप कहोगे क्या बनेगा 66.66%, ठीक है ना, क्या बनेगा 66.66%, किसी को भी बना सकते हो भाई, ठीक है ना। देखिएगा अभी अभी जैसे कि यहां पर ये 3/7 है, आप मुझे ये बताइए ये 3/7 है क्या, तो आपको सर भिन्न नहीं है, ठीक है। अब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो देखो 3/7 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से करेंगे, और यहां पर देखो कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो आप 300 में किसका भाग लगाओगे भाई 7 का भाग लगाओगे, सिंप्लीफाई करो ना। यहां पर देखिएगा ये देखिए इधर देखिए साक्षिक ये कितनी बार जाएगा 7×21, ठीक है 7×28 सॉरी, ठीक है ना, तो ये कितनी बार जाएगा 7×28, कितना बच के यहां पर, यहां पर देखेंगे आप 7×28 दो बचेगा, और ये 7×2=14, और फिर कितना बचेगा देखो लाइन के बराबर में क्या होगा भाई, अरे बोलिएगा लाइन के बराबर में क्या होगा, अरे लाइन के बराबर में क्या होगा, कमेंट करो लाइन के बराबर में क्या होगा, और ये बचेगा क्या यहां पर 6 बचेगा, और किसका भाग लगा रहे हैं 7 का, आप मुझे ये बताइएगा यहां पर ये लाइन के बराबर में ये होता क्या है, ये क्या है और ये क्या है, तीनों बताइए। सबसे पहले लाइन के बराबर में क्या होगा आपसे चाहिए भाई, आंसर चाहिए। देखो मैं बहुत छोटी छोटी बातों पर बात करूंगा, जो लोग नहीं जानते हैं बस उनको पता ही नहीं है, बस वो पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन बनाना, सब बनाएंगे यार, जो पढ़ेगा वो सब क्वेश्चन आप भी बनाओगे, गारंटी है, ठीक है ना। आप एक बार पूरा पढ़ के देखो, मैं गारंटी दे रहा हूं आप बनाओगे क्वेश्चन, ठीक है ना। बट आपको पता होना चाहिए, जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मैं एक ही चीज पे काम कर रहा हूं, सब कुछ आना चाहिए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में कोई भी कंपटीशन में ये लिखा हुआ नहीं होता कि भाई मैं इस लेवल का तो नहीं पूछूंगा और इस लेवल का पूछूंगा। कोई भी कंपटीशन है, चाहे एसएससी बैंक रेलवे, किसी भी कंपटीशन का सिलेबस नोटिफिकेशन उठा के देख लो, उस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ नहीं होता कि मैं इस लेवल का पूछूंगा या फिर इससे कम पूछूंगा या फिर इस लेवल से ज्यादा पूछूंगा। ये सिर्फ अनुमान जो लगाया जाता है, ये पिछले साल के पेपरों से लगाया जाता है, और आप देख रहे हो आप हर एग्जाम में कुछ ना कुछ चेंज देख रहे हो, हर बार कुछ ना कुछ चेंज देख रहे हो, ठीक है। तो चेंज से हमें मुकरना नहीं है, चेंज का सामना करना है, ठीक है ना। जिस दुनिया में जिसने प्रगत चेंज के साथ समझौता किया है ना, ठीक है, जिसने चेंज के साथ लड़ा है, ठीक है, वो आगे बढ़ा है, ठीक है ना। अच्छा ये दिलकुश मीना कहीं बेटा बाप से बड़ा नहीं, क्या बात है, बच्चे यार मजेदार होते हैं, ठीक है ना। जब ये ऑफलाइन में एग्जांपल बहुत बढ़िया लगते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं भाई, अगर बेटा बाप से बड़ा हो जाता है तो उसको छोटा करना पड़ता है, बिल्कुल भाई। यहाँ पर ये शेषफल क्या होता है, इसको बेटा बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बाप बोलते हैं, ठीक है ना, ये हम समझाते हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ये कुछ ऑफलाइन वाले बच्चे मजे ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है भागफल होता है, क्या होता है शेषफल, क्या है भाजक होता है मेरे भाई, क्या होता है भाजक होता है, ठीक है ना। चलिएगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ओके। अब इसको मान के चलो आपको पॉइंट में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है मेरे भाई, पॉइंट में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अब आप पॉइंट में कन्वर्ट करिएगा, देखिए यहां पर ये 7×21, यहां पर देखो ये 7×28 बनेगा, क्लियर है ना, फिर कितना बचेगा यहां पर, ये दो बचेगा और 7×2=14, फिर पॉइंट लगाइएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए 6 में भाग नहीं जा रहा, फिर जीरो लगाइएगा, ठीक है ना, और यहां पर 7×8=56, ठीक है ना, आई ना बात समझ में, फिर कितना बच गया 4 बच गया, फिर जीरो लगाइएगा, और ये 7×5=35, तो 42.85% बनेगा, क्या बनेगा भाई 42.85%। तो भाई पॉइंट में आ जाए तो पॉइंट में कर दो ना। जैसे कि मान के चलो यहां पर है ना, ये 1/9 है, क्या है मेरे भाई 1/9, तो आप कहोगे 1/9। अब इस 1/9 को ना आप मुझे फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके दिखाओ और पॉइंट में भी कन्वर्ट करके दिखाओ, चलो बताइएगा फटाफट से इसको, है ना, आप मुझे पॉइंट में भी कन्वर्ट करके दिखाओ और फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके दिखाओ। चलिएगा, सभी बच्चे कन्वर्ट करके दिखाएंगे, बिल्कुल कीजिए आप, ठीक है ना, 1/9 को कन्वर्ट करके दिखाइए आप
फिर हम टेबल ड्रॉ करने वाले हैं, टेबल पे आने वाले हैं। देखिएगा ज्यादा बिल्कुल मैं आपसे चल रहा हूं सही तरीके से। हाँ भाई, और देखिए जो अपनी 6:30 बजे वाली क्लास चल रही है वहां पर मैं 6 बजे से क्लास स्टार्ट करूंगा और उस पर भी मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है ना। वहां पर हम एडवांस का ही बोला था मैंने, तो वहां नंबर सिस्टम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं बेस कंप्लीट करा चुका हूं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करा चुका हूं, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट। चलिएगा, हाँ भाई देखो कुछ बच्चों का आंसर आया है, ये 42 पॉइंट दयाराम मीना बहुत बढ़िया, भागचंद बोल रहे 11 से 1/9% गुड, और बोलिए विकास भी आंसर बोल रहे बेटा पॉइंट में भी निकाल के बताइए, आप मुझे पॉइंट में भी बताइए। देखो आपको है ना सब तरीके से आंसर आना चाहिए पॉइंट में आपको सब तरीके से, बहुत बढ़िया भागचंद बोल रहे बहुत बढ़िया, क्या बात है, गुड एक्सीलेंट। चलिएगा तो देखिएगा यहां पर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/9 × 100, ठीक है ना, 100/9 होगा। आप इसको बिल्कुल देखो, अभी छोटी छोटी बातें हैं आपको दिमाग में, ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए, निकालनी आनी चाहिए, कुछ भी परसेंटेज आए चाहे पॉइंट में आए चाहे कैसे भी आए आपसे बनना चाहिए भाई, ठीक है ना। अब इसको आप कन्वर्ट करेंगे देखो यहां पर कितना बनेगा, 9 × 9 फिर 1/9 × 9 11 से 1/9% बना, ठीक है ना, यही बना। अब इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो देखो 11 × 9 = 99 पॉइंट बचा, फिर कितना आया यहां पर, 1 आया, फिर 0 लगाई, ठीक है ना। देखो आप है ना किसी भी तरीके से, ठीक है ना, देखिएगा पॉइंट लगाएंगे फिर यहां पर देखिएगा ये 11.09% आएगा, 11.09% आएगा क्योंकि भाग टूटे के ऊपर आएगी ना ये 11.09%, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्लियर है ना। 11.11% गुड, सही है, 10 बचेगा ना और 10 में तो 9 का भाग जाएगा, ठीक है ना, तो 11.11% क्लियर है ना। फिर देखिएगा आप है ना ऐसा कीजिए यहां पर है ना ये 4/9 का मान बताइएगा और दोनों में बताइएगा, कन्वर्ट करके बताइए चलिएगा कन्वर्ट करके ही बताइए 11.11% और बताइएगा यहां पर है ना ये 4/9 का मान बताइएगा, यस क्लियर, कमेंट करो भाई, और क्लास को शेयर नहीं किया हो तो शेयर करो, लाइक एंड शेयर जरूर करें आप लोग। चलिएगा, हाँ भाई विमल कुमार बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हाँ भाई राधे बिना बहुत बढ़िया, सभी बच्चे करें भाई, बताइएगा आप लोग फटाफट से। देखो आपके कहने पर आपने कहा था कि सर आप 9 बजे से क्लास लगाइए, हम सभी बच्चे जुड़ेंगे, ठीक है, हमने 9 बजे से क्लास लगाइए, कुछ जुड़े हैं कुछ नहीं जुड़े हैं तो कोई ना धीरे धीरे जुड़ जाएंगे, पता लगने दो उनको, एक बार पता भी तो चलने दो कि हाँ भाई क्लास स्टार्ट है। चलिएगा 44 से 4/9% देखिएगा आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पॉइंट में भी बताना बेटा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400/ क्या बनेगा, 9 बनेगा भाई, क्या बटेगा बनेगा यहां पर 400/9 बनेगा। अब आप इसको आप देखो 9 × 4=36 फिर कितना बचेगा यहां पर 4 × 9 = 36 44 से 4/9% बनेगा, ठीक है। आप मुझे ये बताइएगा कि यहां पर है ना ये 9 क्या होता है, चलिएगा कमेंट करो 9 क्या होता है एक बार बताइए, यहां पर 9 क्या बोलेंगे, इसको 9 को क्या बोलेंगे एक बार कमेंट, फास्ट कमेंट की झड़ी लगाओ भाई फटाफट बताओ, यहां पर ये 9 क्या होगा, कमेंट करो भाई फटाफट कमेंट करो, यहां पर ये 9 है क्या, 9 क्या है फटाफट से बोलिएगा भाई, यहां पर इस मिश्रित बिन में मिक्स फ्रैक्शन में 9 क्या है, हां भाई कमेंट कर शेयर, ओके भाई यस बोलिए बोलिए भाई, इसे 9 का 9 को क्या बोलोगे आप फटाफट, अरे भाई फटाफट कमेंट करो, सभी बच्चे कमेंट करेंगे यार, ठीक है ना। चलिएगा हां भाई रियल नंबर, अरे बेटा रियल नंबर तो है वो तो हमें भी पता है, ठीक है क्या बोलेंगे इसको वैसे, भाजक गुड विकास बोल रहे हैं, और बोलिए क्या बोलेंगे भाई, ठीक है ना, रियल नंबर तो है बेटा, रियल नंबर तो हम, हाँ भाई ये अरे भाई मेरे रियल नंबर तो हमें पता है दिख रहा है ना, हाँ भाई ओके हर बिल्क, अरे भाई हर मिक्स फ्रैक्शन है, आप कहां सो रहे हो भाई पवन कुमार, देखिएगा आप अभी अभी मैंने बताया था रेयर, हाँ ओके अभी अभी बताया था भाई सभी, अरे सभी बच्चे बताओ, इसको भाजक बोलेंगे भाई, डिवीजर बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे माय डियर, डिवीजर बोलेंगे भाई, भाजक होगा ये, क्या होगा भाजक है यहां पर डिवीजर है, ये गलती ना करें, और ये क्या होगा लाइन के बराबर में क्या होगा भागफल है, ये क्या है भाई भागफल है, क्यूशेंट है ये, क्या है क्यूशेंट, और ये क्या है, ये है यहां पर रिमाइंडर है,
शेष फल है, ये क्या है मेरे भाई, शेष फल है, ये ध्यान रखिएगा, आपको कभी भी कंफ्यूजन पैदा नहीं करना। क्या होगा? शेष फल होगा। क्या होगा भाई? शेष फल होगा। ये क्लियर है ना? क्लियर है ना? क्लियर है। ओके चलिएगा, अब पॉइंट में भी निकाल सकते हो, आप पॉइंट में बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो दोस्तों, पॉइंट में निकालोगे 44 44 तो आएगा पॉइंट, फिर जीरो लगाओगे आप, ठीक है ना? आई ना समझ में? चार यहां पर देखिएगा, चार बचा, फिर जीरो लगाओगे, फिर नौ चौका 36, ये 44.44% ही आएगा इसका मान। क्या आएगा? 44.44% ही आएगा। क्लियर है ना? अरे यस और नो में जवाब दीजिए भाई। क्लियर है? तो आपसे पॉइंट में पूछे चाहे कैसे भी पूछे, आप निकाल सकते हो। क्लियर? तो देखिए, अभी तक आपने केवल दो बातें सीखी हैं, और वो क्या बातें सीखी हैं कि भाई प्रतिशत का मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज तो देखो, मैं बिल्कुल आपको साथ लेके चलूंगा, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रति का मतलब एक, शत का मतलब सौ, इसको आप प्रति सौ बोलोगे, या फिर इंग्लिश में पर का मतलब वन, सेंट का मतलब हंड्रेड, तो इसको आप पर हंड्रेड बोलोगे, यही है ना? फिर आप देखो यहां पर एक बटा सौ, एक बटा सौ को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, भाई प्रतिशत का मतलब क्या होगा, एक बटा सौ। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज के बाद कभी भी प्रतिशत का मतलब क्या बोलना है, एक बटा सौ, और दूसरा जवाब ही नहीं देना, या फिर किसी चीज की सौ पर गणना करना। जब आप ये कहना उसको भाई कि भाई जब आपने बेस ही सौ मान लिया तो गणना सौ पे ही तो करेगा, और किस पे करेगा मेरे भाई? जब आपने बेस को ही सौ मान दिया, जब आपने आधार ही सौ रख दिया, तो गणना किस पे होगी? सौ पे ही होगी। गणना किस पे होगी? सौ पे ही गणना होगी, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, प्रतिशत का सीधा सीधा मतलब होगा एक बटा सौ होगा, और दूसरा कोई मतलब नहीं होगा। फिर देखिएगा, प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, एक बटा सौ होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये 20% है, आप 20 को सॉल्व करोगे कितना होगा, एक बटा सौ होगा, ठीक है ना? यहां पर देखिएगा, इस चिन्ह का मतलब क्या होगा, एक बटा सौ, और 20% हटाएंगे, सौ का भाग लगाएंगे तो एक बटा पांच बनेगा। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, और अंश और हर के रूप में होगा, क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? भिन्न कहलाएगा, ठीक है ना? ये कन्वर्ट किया था हमने, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था यहां पर पॉइंट में हो तो पॉइंट को कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना? फिर उसके बाद मैंने बताया था कि भाई भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। देखो, आपने प्रतिशत को भिन्न में बदला, आपने गुणा किया एक बटा सौ से, और अब आप उल्टा कर रहे हो, तो ध्यान रखिएगा, उल्टा कर रहे हो ना, तो आप एक बटा सौ का उल्टा क्या होगा, सौ बटा एक होगा। कन्वर्ट किया आपने किया, ठीक है ना? और ध्यान रखिएगा, यह ध्यान रखिएगा कि भाई यहां पर ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, और ये क्या है, शेषफल, ठीक है? तो लाइन के बराबर में हमेशा क्या होगा बोलिएगा, लाइन के बराबर में क्या होगा बोलिएगा, मिश्रित भिन्न में भागफल, ऊपर ऊपर क्या होगा, शेषफल, और नीचे नीचे क्या होगा, भाजक। ये आपको मैंने पूरा तरीके से सिखाया है, ठीक है? तो दोस्तों, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अरे बताइए मेरे भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ध्यान रखिएगा, बस एक ही दिमाग में रखिएगा, अभी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? अभी छोड़ने वाला नहीं हूं, 10:15 तक क्लास लूंगा मैं, ठीक है ना? 10:15 तक हमारी क्लास चलेगी। बस एक बात मैं बार बार ऐसी चीज को बोलूंगा, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिल से ठानना है, ठीक है ना? कल हम भजन संध्या में गए थे, वहां सुन रहे थे, तो वो गायक वो यही बोल रहा था, दिल से मान लिया। तो दोस्तों ध्यान रखना, दिल से ठान लिया ना, वो जीतेगा जंग कैसी भी हो, ठीक है? वो जंग को जीतेगा। यदि आपने अपने अंदर से आवाज निकल रही है ना, आपके सिलेक्शन में अंदर से, जब आपके अंदर से आग निकलना चालू हो गई, तो सिलेक्शन आपका बहुत नजदीक है। बस अंदर से आना चाहिए, ठीक है ना? चलिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे इसी लेको हम आगे की ओर जारी करते हैं। ये एसआरटीसी सुरेश मीना, क्या बात है, फुल नाइट ले लो सब, क्या बात है, नेट खत्म हो जाएगा भाई तेरा, ठीक है ना? चलिएगा आगे की बात। ओके चलिएगा, फिर देखिएगा बच्चों, अब हम टेबल पे आने वाले हैं, ठीक है? देखो, रटना नहीं है, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये फ्रैक्शन की टेबल है, ये इसलिए मैं लिखा रहा हूं क्योंकि इस टेबल से देखो काफी बहुत बहुत चीजें बनने वाली है, ठीक है? अभी देखिए, मैं काफी काफी फ्रैक्शनों को, काफी परसेंटेज को आपको चुटकियों में, आपको हाथों पे निकालना सिखा दूंगा, आपको मुंह जबानी निकालना सिखा दूंगा, जो और लोग भाग लगाते सो का वो भाग लगाना मैं बंद करवा दूंगा, ठीक है ना? चलिएगा देखिएगा, यहां पर देखिए टेबल की बात करने वाले हैं, परसेंटेज की टेबल की बात करने वाले हैं। जैसे कि ये एक बटा दो है, आपको पता है एक बटा दो का परसेंटेज मान क्या होता है, 50%, या फिर 50% का भिन्न का मान कितना हुआ, एक बटा दो।
आप सॉल्व करना जानते हो, 1/100 गुना किससे करेंगे, कितना बन गया यहां पर 50%। तो भाई 50% का भिन्नगा मान कितना हुआ भाई, 1/2, या फिर 1/2 का परसेंटेज मान कितना बनेगा, ठीक है ना, 50% या फिर 50% का भिन्नगा मान 1/2। फिर अभी अभी हमने इसे क्या 1/3, आप मुझे ये बताइए कमेंट करो 1/3 है क्या, 1/3 क्या है यहां पर, भिन्न है, क्या है, भिन्न है, क्यों है भिन्न, क्यों भिन्न है, ऊपर वाला अंश न्यूमरेटर, नीचे वाला हर डिनोमिनेटर, इसलिए भिन्न है, अंश और हर के रूप में भिन्न। हम भी आपको गुरु मान लिया, क्या बात है, दिल के दिल खुश बोल रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, चलिएगा ठीक है। अब आप देखिएगा 1/3 आपको पता है कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये 100/3। अब आप देखिएगा बच्चों यहां पर आप परसेंटेज में भी लिख सकते हैं क्या बात है, ठीक है, आप इसको कैसे लिखोगे, यहां पर देखो 33 से 1/3% भी आएगा, या फिर पॉइंट में कितना आएगा 33.33% आएगा, क्या आएगा भाई पॉइंट में 33.33%। हाँ भाई ये क्या बोल रहे, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है, मान लो तो हार है और ठान लो तो ठीक है जीत है, क्या बात है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। हाँ भाई तो इसका मान क्या हुआ यहां पर, तो आप देख पा रहे इसका मान होगा 33 से 1/3%, या फिर पॉइंटों में भी आ सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर देखिएगा 1/4 अभी अभी आपने निकाला, 100 से गुना करेंगे कितना बनेगा, 25% बनेगा, ठीक है ना। फिर देखिएगा 1/5 का मान अभी आपने निकाला कितना आया, 20%, कैसे आ रहा है, अरे हाना बोलिए भाई कैसे आ रहा है पता है ना आपको, मैं डायरेक्ट लिख दूं, अरे हाना बोलिए भाई डायरेक्ट लिख दूं क्या, आप बताइएगा, बिल्कुल डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है ना। पॉइंटों में भी आप बना सकते हो, पॉइंटों में आपको लिखना है घर पर, पॉइंटों में ये आज का होमवर्क मैं आपको दूंगा खतरनाक, ठीक है ना, पॉइंटों में भी लिखना है। फिर देखिएगा 1/6 का मान होता है 16 से 2/3%, 16 से 2/3%, और पॉइंट में भी लिख सकते हो, जैसे कि बेटा 1/6 है, इसको आप 100 से गुना करेंगे, अब आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, देखो 2 से काटेंगे 3 बार, और ये कितनी बार 50, और ये 50/3 करोगे तो यहां पर देखिएगा ये 16 16 3 48 पॉइंट लगाया, ठीक है ना, फिर कितना बचा 2, और यहां पर कितना कितनी बार जाएगा 36 18, ठीक है ना, फिर 2 बचा तो 16.66% बनेगा, क्या बनेगा 16.66। तो आप परसेंटेज में भी बना सकते हो, आप परसेंटेज में भी बना सकते हो भाई, क्लियर है ना, क्लियर है ना, परसेंटेज में बिल्कुल बना सकते हैं हम लोग परसेंटेज में, हाँ ना बोलिए भाई, क्लियर है ना, ठीक है चलिएगा। और देखिएगा इधर देखिए, जैसे कि आपसे कहें 1/7, 1/7 का मान होता है 14 से 2/7%, आप मुझे इसको पॉइंट में बना के बताओ, फटाफट पॉइंट में बना के दिखाओ, दिखाओ फटाफट दिखाओ, ये पेन चलना चाहिए, ठीक है ना, गणित पढ़ रहे हो आप मैथमेटिक्स, ये पेन चलना चाहिए, ये पेन जितना चलेगा ना उतना खोपड़ी चलेगी भाई, खोपड़ी चलनी चाहिए, ठीक है ना, दिमाग चलना चाहिए, और दिमाग कब चलेगा, जब ये पेन चलेगा ना, जब चलेगा, मैथ ऐसे ही नहीं सीख जाओगे, पेन चलाना पड़ेगा भाई, पेन को घिसना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट से बताइए, कमेंट करो, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके बताओ भाई, यस बता दो फटाफट, हाँ भाई सभी बच्चे बताइए भाई फटाफट से, ओके चलिएगा। हाँ भाई पॉइंट में नहीं है आपका, पॉइंट में चाहिए मुझे, पॉइंट में चाहिए, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है यार, कोई जरूरी है कि फ्रैक्शन में आंसर दे, नहीं ना फिर क्या दिक्कत है। चलिएगा क्या बोल रहे हैं, 14.28%, एक का नहीं सबका आंसर आना चाहिए, विमल का आंसर आया, विकास का आंसर आया है, सभी लोग टाइप करें भाई, पेन चला के पेन कॉपी साथ लेके बैठा करो यार, रिवीजन का मतलब यह है कि आपका बहुत अच्छे से आपको दिक्कत ना आए, आप पे आना चाहिए। हाँ भाई सभी बच्चे, ये दिव्या सर भाई इनका भी आ गया, विमल कुमार बहुत बढ़िया, ओके 14.28% दिलकुश, हाँ भाई गगन धवन, और बोलिएगा सभी बच्चे, बोलिएगा भाई क्लास को शेयर भी करना है, हाँ भाई मनराज बिना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिएगा। तो इसका मान कितना आ गया 14.28%, देखो कैसे, देखो यहां पर है ना आप लगाओगे भाग, ठीक है ना, इधर देखिएगा यहां पर है ना, ठीक है 1/7 है, देखो आपको इस तरीके से करोगे 1/7 आप गुना किससे करेंगे 100 से, तो ये कितना आएगा 100/7 आएगा, क्या आएगा भाई 100/7, यही आएगा ना, क्या आएगा भाई 100/7 आएगा। अब आप देखिएगा यहां पर देखो 7 + 7 कितना बचा, 3 बचा, फिर 7 × 4 = 28 कितना बचा 2/7, पर आप पॉइंट में निकालोगे तो देखो 14 आएगा पॉइंट, क्लियर है ना। फिर आप देखिएगा यहां पर कितना बचेगा 2 बचेगा
देखो आप इसको सॉल्व करोगे ये कितना आएगा, 14.28%। क्लियर है ना, सबका आ रहा है? हाँ भाई, ये 12.50% कैसे आएगा? ठीक है ना सर, बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना, धन्यवाद। चलिएगा इधर देखो, तो इसका मान कितना आ गया पॉइंट पर बेटा, 14.28%। क्लियर है ना, 1/5, 1/5 कितना है 8, ठीक है ना, 1/5 कितना है 8, 1/3, 1/8 का मान होता है 12 से 1/2% होता है, और इसको परसेंटेज में क्या बोलेंगे, 12.5%, ठीक है ना। क्लियर सर, बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या बात है भाई, धन्यवाद आपका, ठीक है ना। 1/8 किससे गुणा करेंगे भाई, 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से कितनी बार, 2 बार, और ये कितनी बार, 25, और 25 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये 12.5% बनेगा, 12.5%। क्लियर है ना, तो चाहे पॉइंट में पूछे चाहे कैसे भी पूछे, आपसे बनना चाहिए, आपसे आंसर आना चाहिए मेरे भाई, आपका आंसर चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है ना दोस्त, ओके चलिएगा। फिर अभी अभी हमने निकाला 1/9 का मान, 1/9 का मान कितना आया यहां पर, 11 से 1/9%, या फिर 11.11%, क्या आया मेरे भाई, 11.11%। क्लियर है ना यहां तक, ठीक है ना। फिर देखिएगा, हमने बताया था 1/10 का मान कितना होता है, 10% होता है, क्या होता है, 10% होता है, क्या होता है भाई, 10% होता है, ठीक है ना, चलिएगा, 10% होता है। क्लियर, चलिएगा, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना यहां तक, ये सब आपको निकालनी है यहां तक चीजें, ठीक है, चलिएगा। फिर देखिएगा, उसके बाद हमने बताया था 1/11 का मान होता है 9 से 1/11%, इसको पॉइंट में निकाल के बताओ। हाँ भाई, 1/11 को पॉइंट में निकाल के बताओ। हाँ भाई, 1/11 को पॉइंट में निकाल के बताइए, 1/11 को आप पॉइंट में बताइएगा कितना होगा, 1/11 को आप पॉइंट में निकाल के बताइए। सोनू कुमार मीना 10%, हाँ भाई, 1/11 को पॉइंट में निकाल के बताइए, इसको आप पॉइंट में निकाल के बताइए भाई, फटाफट से कमेंट करो, आप फटाफट से बताइएगा, यस फटाफट से बताना पड़ेगा, कमेंट करें फटाफट से बताइए, और प्लीज क्लास को शेयर करो भाई, दबा के शेयर कर दो आप लोग, हाँ भाई, ताकि आपके यार दोस्त सबको पता चल जाए कि हाँ भाई त्रिलोक सर की क्लास चल रही है, हाँ भाई, ठीक है ना, चलिएगा। 11.11% अजीत मीना, और बोलिएगा, ये सुरेश कुमार बोल रहे हैं 0.09%, हाँ भाई, मनराज मीना 9.09%, विकास 9.99%, और ये दिव्या शर्मा 9.09%, और ये 99.09, ठीक है, 9.99%। अरे भाई देखो, 1/11 आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, तो ये कितना बनेगा, 100/11, यही बनेगा ना। आपको दिक्कत आए तो आप ऐसे कर लो भाई, पर गलत नहीं होना चाहिए। तो 11/9 यहां पर कितना बनेगा, 11/9 99 बनेगा, 11/9 कितना बनेगा, 99, फिर कितना बचा, 1, ठीक है ना। अब आप देखिएगा, यहां पर भाग नहीं जा रहा, तो यहां पर भाग टूटे क्या लगाओगे आप, सुपर लगा। अरे भाई ऐसे थोड़ी ना होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है ना। और यहां पर कितना आ जाएगा, कहां मैं भी, हां भटक, ठीक है ना। अब आप देखिएगा यहां पर कितना आएगा, देखो यहां पर आ गया, अब आप यहां पर क्या लिखोगे, 0 नहीं आ रहा, तो यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर, ठीक है ना, ये 0 और पॉइंट, और ये कितना आएगा, 11.9% कुछ आएगा इसका आंसर भाई, कहां बोल रहे हो, सॉरी 9 पॉइंट, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है भाई भाग लगाने में, देखो यार है जोश जुनून के साथ कभी कभार गड़बड़ हो जाते हैं। अरे भाई 100 में भाग लगाइए ना आप, तो ये 11.99, 9, ठीक है, बचा कितना, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 0, तो यहाँ पर 0.9% आएगा ये आंसर, ये कितना आएगा, 9.09% इसका आंसर आएगा, कैसे आया देख लो भाई, देखो भाग टूटेगी सुपर कैसे आई, वो मेरे से भी गलत हो गया था, इधर देखो कैसे आया, देख लो जो बच्चों को दिक्कत आ रही है, 1/11 है ना ये, आप गुना करेंगे 100 से, तो कुछ इस प्रकार से भाग लगाओगे ना आप, देखो 11.99 चला गया, ठीक है ना, बचा कितना 1, अब आप देखिए यहां पर पॉइंट लगाओगे, यहां पर क्या आ गया, 0 आ गया, पर भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो यहां पर भाग टूटे क्या लगेगी सुपर, और यहां पर फिर लिखो आप, तो 11.99, तो 9.09% आएगा इसका आंसर। अब क्लियर है भाई, इसलिए मैंने आपसे पूछा था, क्योंकि ये कभी कभार गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर। तो कितना बना, 9.09% बनेगा, क्या बनेगा भाई, कभी कभार क्या है, हम भी जोश में होश को बैठते कभी कभार है, क्योंकि सुबह से शाम तक काफी क्लासेस हो जाती हैं भाई, ठीक है ना, लिखना है कहिए,
तो कभी कभार क्या है, भूल चूक लेनी देनी माफ करना, ठीक है ना। ऐसा मत समझना कि यार गुरु जी से कैलकुलेशन नहीं बनी, ऐसा मत समझना, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है ना। हाँ भाई क्लियर है भाई, चलेगा। 1/12 का मान होता है यहाँ पर 8 से 1/3%। इनको सबको पॉइंटों में कन्वर्ट करना है आपको घर पे बैठ बैठ के, ठीक है ना। घर पे बैठ के आपको सबको पॉइंटों में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। ये आज का होमवर्क आपका यही है, सबको किसमें कन्वर्ट करना है, पॉइंटों में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1/13 का मान होता है 7 से 9/13%, ठीक है ना। क्लियर, कैसे आ रहा है पता है ना आपको, ठीक है ना। फिर 1/14 का मान होता है यहाँ पर 7 से 1/7%, ठीक है ना। फिर 1/15 का मान होता है मेरे भाई 6 से 2/3%। कैसे आया समझ में आई बात, क्लियर है ना भाई, समझ में आ रहा है ना। फिर देखिएगा 1/16 का मान होता है 6 से 1/4%। पॉइंट में आपको कन्वर्ट करने ये सब करोगे ना, ये आपका होमवर्क। फिर 1/17 का मान होता है 5 से 15/17% है, 5 से 15/17%। 1/18 का मान होता है 5 से 5/9% होता है, क्या होता है भाई, 5 से 5/9% होता है, क्लियर है ना। फिर 1/20 का मान होता है भाई 5% होता है, सॉरी 1/19 भूल गए ना, चलेगा। फिर 1/19 का मान होता है 5 से 5/19% होता है, कैसा होता है पता है ना आपको, ठीक है ना। फिर 1/20 का मान होता है 5% और 1/25 का मान होता है 4% होता है, क्या होता है मेरे भाई, 4%। तो यहां तक आप टेबल को कंप्लीट करो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट से, और इनको सबको पॉइंट में कन्वर्ट करना है। ये आज का होमवर्क है आपका, इनको आपको पॉइंट में कन्वर्ट करना है। हाँ भाई फटाफट से, अब देखिएगा अब कमाल की बात होने वाली है, फटाफट देखो कुछ चीजें पॉइंटों में फटफट मैं आपको बताने वाला हूं। आप कैलकुलेशन विद इन सेकंडों में मुंह जवानी करोगे, रात को लगाएंगे हमको, क्या बात है। ओके हाँ भाई कमेंट करो भाई फटाफट से, चलिएगा फटाफट से इसको लिखो भाई, फटाफट लिखें आप, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है ना। तो ये आप पॉइंटों में, ये आपको बनाने हैं, सबको पॉइंटों में बनाने हैं, सबको आपको पॉइंटों में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। अब आप देखिएगा इस टेबल का यूज किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। चलिएगा तैयार हो ना आप, अरे तैयार हो ना मेरे साथ, देखिए तैयार रहोगे तो मैं आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। और आप यदि नहीं रहोगे तो फिर कोई नहीं, ऑफ कर देते क्लास को, बताओ ऑफ करें क्या, यदि जनसंख्या घट रही है तो फिर ऑफ करने में ही फायदा है, करें क्या ऑफ। हाँ भाई चलिएगा, नहीं करूंगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा जो मैं आज सोच के आऊं वो तो मैं पढ़ा के जाऊंगा, ठीक है ना, चलिएगा। हाँ भाई देखो, यस अब देखिएगा, अब इसी टेबल का यूज किस तरीके से करेंगे देखिएगा, आप तैयार हो, ओके देखिएगा। अब देखिए आप इधर देखिए भाई, जैसे कि आपको पता है 4% का मान आपको पता है क्या होता है, अरे भाई मैं आपसे पूछूं डायरेक्ट कि भाई 48% का मान बताओ, अब मुजवानी बिना पेन चले बताना है, ठीक है ना, बिना पेन चले बताना है तब तो मजा है। आपसे मैं पूछूं कि भाई 96% का मान बताओ, पेन नहीं चलना चाहिए, पेन चल गया तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, ठीक है ना, ये मुंह जवानी आना चाहिए, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूं कि भाई 24% का मान बताओ, भिंड का मान बताओ, ठीक है ना, 32% का मान बताओ, ये चाहिए आपको, मुंह जवानी चाहिए भाई, ठीक है मुंह जवानी चाहिए भाई, ठीक है ना। हाँ भाई क्लियर है, देखो मुंह जवानी कैसे आते हैं, इधर देखिएगा एक बार समझ लेना भाई, एक बार समझ लेना, इधर देखिएगा 4%, इधर देखो 4% का भिन्न का मान अभी अभी हमने निकाला, इधर देखो 4% का मान होता है 1/25 होता है भाई, 4% का मान कितना होता है 1/25। यदि आपको दिमाग में है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो आप निकाल सकते हो, 4% हटाएंगे भाग 100 का, ये कट गया 1/25, ये लो। यदि नहीं है तब भी बता सकते हो ना, यदि दिमाग में नहीं है तब भी बता सकते हो, बता सकते हो ना। हाँ जी देखिएगा, अब आप देखिएगा, अब देखें बेटा आपको बनाना है 8%, इधर देखो भाई, इधर देखो ध्यान इधर होना चाहिए, इधर देखो 8% बनाना है। अब देखिएगा आप पूछो किसी से 8%, वो पता वो क्या करेगा बेटा, 100 का भाग लगाने लग जाएगा, क्या लगना लग जाएगा 100 का, तो आप कह देना तू कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा, ठीक है ना। हाँ भाई इधर आ जाइए, क्योंकि अब नहीं भाई, अब तो फटाफट होना चाहिए काम, ठीक है ना। जब आप SSC रेलवे बैंक की तैयारी कर रहे हो और अभी भी आप ये छोटी छोटी चीजों में ऐसे काम चलोगे तो भाई नहीं चले। हाँ ठीक,
सीख लेना चाहिए, ठीक है ना। यदि नहीं आता ना तो सीख लेना चाहिए, ठीक है ना। पर एग्जाम में ये बहुत से बच्चे, पता है, मैं देखता हूं मेरे ऑफलाइन क्लासों में कभी कभार, ये उंगलियों पे जोड़ते हो। अरे भाई, उंगलियों पे अब नहीं जोड़ना, ठीक है। आप कैलकुलेशन दिमाग से बजनी चाहिए। चलिएगा, हाँ भाई, इधर देखिएगा। देखिए 8% आपको पता है 4% का मान। अरे बोलो भाई, 4% का मान 1/25 होता है। 4 का मान कितना होता है? 1/25। 4 को किससे गुणा करो? 2 से। इसको भी किससे गुणा करेंगे? 2 से। कितना बना? 2/25 बन गया। क्या बन गया? 2/25 बन गया। बन गया ना सेकंडों में। आपसे पूछा कि भाई 12% का मान बताओ। क्या बताओ? 12%। इधर देखो, इधर 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 ध्यान इधर होना चाहिए। इधर देखो 12%। तो आप ये बताइए 4% का मान। अरे बोलो भाई, 4% 1/25। 4 को किससे गुणा? 3 से। इसको भी किससे गुणा? 3 से। कितना बन गया? 3/25 बन गया। कितना बन गया? 3/25। आपसे पूछा 16% का मान। क्या पूछा? 16% का मान। अरे भाई बोलो, 4% का मान। 4% का मान 1/25। 4 को किससे गुणा? 4 से। इसको भी किससे गुणा? 4 से। कितना बनेगा? 4/25। अब आप मुंह जवानी बोलिएगा। अरे आप बोलिएगा मुंह जवानी। अरे आंसर आना चाहिए, मुंह जवानी बोलना है, आंसर टाइप करना है, मुंह जवानी आना चाहिए। चलिएगा, आपसे पूछा 24% का मान। अरे 24% का मान। अरे बोलो भाई, 24% मुंह जवानी आंसर। आपको पता है 4% का मान 1/25। 4 को किससे गुणा करेंगे भाई? 6 से गुणा करेंगे। कितना बनेगा? 6/25 बनेगा। क्या बनेगा? 6/25 बनेगा। आपसे पूछा कि भाई 28% का मान बताइए। क्या बताइए? 28%। आपको पता है 4% का मान कितना होगा? 1/25 होगा। 4% का मान 1/25 किससे गुणा करेंगे आप? इसको किससे गुणा करेंगे? आप करेंगे इसको 7 से गुणा। कितना बनेगा? 7/25 बनेगा। क्या बनेगा? 7/25। आपसे पूछे कि सर 32% का मान बताओ। आप 32% का मान। अरे भाई कमेंट करो, 32% का मान क्या होगा? आपको पता है 4% का मान क्या होगा? 1/25। और 4 को किससे गुणा करेंगे? 8 से गुणा करेंगे। क्या बनेगा? 8/25 बनेगा भाई। क्या बनेगा? 8/25 बनेगा। आपसे पूछे 36% का मान बताओ। क्या बताओ? 36% का मान। आपसे 36% का मान पूछे। 4% का मान क्या होगा? 1/25 होगा। और 4 को किससे गुणा करेंगे? 4 को किससे गुणा करेंगे? 9 से गुणा करेंगे। क्या बनेगा? 9/25 बनेगा भाई। क्या बनेगा? 9/25। आपसे पूछे कि भाई आप 44% का मान बोलो। 44% का मान। आपको पता है 4% का मान क्या होता है? अरे 4% का मान क्या होता है भाई? 1/25 होता है। और क्या होता है? 4 को किससे गुणा करेंगे? 11 से। इसको भी किससे करेंगे? 11 से। क्या बनेगा? 11/25 बनेगा। क्या बनेगा? 11/25। आपसे पूछा कि भाई 48% का मान बताओ। क्या पूछा है? 48% का मान। 4% का मान बोलो कितना है? 4% का मान बोलो 1/25। 4 को किससे गुणा करेंगे? 4 को 12 से गुणा करेंगे। क्या बनेगा? 12/25 बनेगा। क्या बनेगा? 12/25 बनेगा। अरे बोलो क्लियर है ना? अरे आ रही है ना बातें? क्लियर दिमाग में छा रही है ना? हाँ भाई, चलिएगा उधर और देखिएगा। अभी रुकना नहीं है भाई, स्क्रीनशॉट लगवा दूंगा। इधर देखो, आपसे पूछा 52%। चलो सेकंडों में बताओ, सेकंडों में बताओ 52% का मान। टाइप करो भाई, 52% टाइप कर दो फटाफट, 52%। हाँ भाई, 52% का मान टाइप कीजिए। हाँ भाई, बोलिए फटाफट से। हाँ भाई, 52% का मान क्या होगा? हाँ भाई, 52% का मान होगा 13/25। क्या होगा भाई? 13/25 होगा ना। आपको पता है 4% का मान क्या होता है? 4% का मान 1/25 होता है। 4 को किससे गुणा करेंगे? 13 से गुणा करेंगे। कितना बनेगा? 13/25 बनेगा। क्या बनेगा मेरा भाई? 13/25 बनेगा। आपसे पूछा 56% का मान, तो आप बताओ दोगे। हाँ भाई, 4% का मान कितना होगा? 1/25 होगा। 4% का मान 1/25। और 4 को किससे गुणा करेंगे? 14 से गुणा करेंगे। 14 × 56, ये 14/25 बनेगा भाई। क्या बनेगा? 14/25 बनेगा। क्या बनेगा? 14/25 बनेगा। बनेगा ना? अरे हाँ ना, बोलो ना, बनेगा, बनना पड़ेगा भाई। आपको पूछा है 64% का मान बताइएगा। क्या बताइएगा? 64% को। अरे 64% का मान बोलिए भाई। 64% का मान 16/25 बनेगा। सेकंडों में तोड़ेंगे भाई। क्यों 100 का भाग लगाएंगे? नहीं लगाएंगे हम लोग, नहीं लगाएंगे। हाँ भाई, क्लियर है ना? आपसे बोले कि भाई 68% का मान बताओ। किसका मान बताओ? 68% का मान बताओ। तोड़ दो फटाफट, 17/25 बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई? 17/25 बनेगा, ठीक है ना। आपसे पूछे कि भाई यहां पर 72% का मान बताओ आप। किसका मान पूछे? 72% का मान। अरे 72% का मान बोलो भाई, 72% का मान बोलो। आप कहोगे सर 18/25 बनेगा ना, और क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा? बनेगा ना।
आपसे पूछे कि चलो सर 76% का तो हम बता ही देंगे, इतने तो हम इंटेलिजेंट है। हाँ भाई 76% तो आप बताओगे ही बताओगे, मुझे पता है आप लोग बताओगे भाई 76% तो तोड़ोगे ही तोड़ोगे। हाँ भाई 76% बता दो, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। ओके देखो 19/25 है, क्या बात है। चेतन, भागचंद मीना, सुरेश कुमार, दिलकेश मीना, अजीत कुमार, एनके मीना, लेखराज मीना, क्या बात है यार, मजा आ गया। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चेतन क्या बात है, जोरदार, क्या बात है। हाँ वो विकास दिलकुश, हाँ भाई सुरेश चंद, भागचंद, क्या बात है। हाँ भाई बहुत बढ़िया, क्या बनेगा 19/25 बनेगा, क्या बनेगा 19/25 बनेगा, बनेगा ना। अरे हाँ ना बोलिएगा, क्लियर है ना, और क्या चाहिए आपको। ठीक है ठीक है ना, क्लियर है ना। फिर आपसे पूछेगा भाई चलो बताओ 84% बताओ, चलो बताओ 84% 84% का मान बताओ, 84% का मान बताइएगा। हाँ भाई 84% का मान बताइएगा, ओके बताइए भाई 84% का मान बताइएगा। हाँ भाई क्लियर है ना, कितना बनेगा 21/21 / 84 21/25 बनेगा भाई, क्या बनेगा 21/25 बनेगा, बनेगा ना। चलो आपसे पूछे 88% का मान तो आप बताओगे बताओगे, 88% का मान बताइएगा। अरे भाई 88% तो बताइएगा बताइए, आज तो क्लास में मजा आ रहा है, क्या बात है। 88% का मान बोड़ दो, अरे तोड़ दो रे भाई, तोड़ दो इसको फटाफट 88% क्या होगा बताइएगा। हाँ भाई बताना तो पड़ेगा आपको यार, मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला, ध्यान रखना मैं वही त्रिलोक शर्मा हूं जो ऑफलाइन में पूरा 100% बच्चों को लेके चलता हूं, तो ऑनलाइन में तो लेके चलूंगा ही चलूंगा। हाँ भाई बदल नहीं गया हूं, ध्यान रखना ना। ठीक है हाँ, ये मत समझ लेना कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो मैं और कोई हो गया, भाई त्रिलोक शर्मा हूं मैं, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, हाँ भाई क्लियर है ना। अरे बोलिए भाई कितना होगा। अरे आपको पता है 4% कितना होता है, 4% का मान 1/25 होता है भाई, 4% कितना होता है 1/25 होता है, किससे गुना करेंगे 22 से, ये 22/25 बनेगा। हाँ भाई गुड, क्या बनेगा 22/25 बनेगा, बनेगा नहीं। आपको पता है 4 को किससे गुना कर दो, 22 से गुना कर दो, बन गया खत्म, क्लियर है ना। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो। आप सोचो कितनी भिन्न, इधर देखो इनको काउंट करो आप, ठीक है ना, यहां से लेकर देखो 4 और कितने हो गए, ये कितने देखो 4 2 4 10, 10 के बाद 10 और 4 14 14 और 4 कितने हो गए, यहां पर कितने हो गए 18। ठीक है आप देख लो 18 भिन्न आप मुंह जवानी बन गए, 18 भिन्नों के परसेंटेज मुंह जवानी बन गए, कुछ नहीं किया, केवल एक को पकड़ा है, एक को पकड़ा है, इसको पकड़ा है 4% को, और अकेले 4% ने में ही लफड़ा नहीं होने देंगे, देते यहां कैसे हो जाए, क्या बात है। हाँ भाई अकेले 4% ने, अकेले 4% ने 18% को तोड़ दिया, कितने को तोड़ दिया 18 की टांगे तोड़ दी इसने, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, और आगे भी बना सकते हो, यदि आपको पहाड़े याद है टेबल याद है तो, पर 4% अकेले 4% 18 को तोड़ गया भाई, कितनों को तोड़ गया 18 को तोड़ गया, ये बात है। ठीक है ना, चलिएगा अब हम आगे कित आ जाए। अरे हाँ ना बोलो, यस और नो बोलो तभी तो आऊंगा, ऐसे नहीं आऊंगा, कमेंट करना पड़ेगा भाई। ठीक है ना, शेयर भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, शेयर कर दो, लाइक तो करना ही करना है। ठीक है ना, शेयर भी करना पड़ेगा, अभी 5% पे ऐसे ही नहीं आने वाला मैं। ठीक है ना, 99 लगी अभी सेंचुरी होने वाली है, ठीक है, मतलब 99 व्यूज है अभी सेंचुरी होने वाली है। ठीक है, और वॉचिंग अभी और बढ़ने वाली है मुझे पता है। ठीक है ना, हाँ भाई बढ़ेगा मुझे पता है। ठीक है ना, आएगा वो दिन भी आएगा, ठीक है ना, वो दिन भी आएगा। हाँ भाई चलिएगा, यस क्लियर है ना, अरे क्लियर है ना, यस और नो बोलो भाई, क्लियर है ना, यस चलिएगा भाई, आ जाइएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा फिर हम आगे की बातें करने वाले हैं। अब मैं आने वाला हूं 5% पे आने वाला हूं, इधर आ जाइए। हाँ भाई इधर देखिए भाई, तैयार हो, ओके चलिएगा। फिर देखिएगा अब हम आने वाले हैं 5% का मान, किसका मान 5%। आप 5% का भिन्न का मान कितना हुआ 1/20 होता है, क्या होता है भाई 1/20। यदि टेबल में याद है तो टेबल से कर लो, टेबल नहीं है तो आप मुंह जवानी कर सकते हो, ये लो भाई 5% का भिन्न का मान कितना हुआ 1/20 होता है। 5% का भिन्न का मान कितना होता है भाई 1/20 होता है माय डियर, ओके। और फिर भी नहीं आता तो कोई बात नहीं ना,
इसको तो हम बना लेंगे, 5% हटाओगे भाग 100 का लगाओगे, सिंपल सा कट गया 1/20 आ गया, क्लियर है ना, चलेगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब आ जाइए आप इधर देखो, आपको बनाना है 15%, क्या बनाना है भाई 15% बनाना है ना, क्लियर। अब आपको पता है कि भाई 5% का भिन्न का मान कितना होता है भाई, आपको पता है भाई 5% का भिन्न का मान कितना होता है 1/20 होता है, 5% का भिन्न का मान कितना होता है 1/20 होता है, ठीक है ना। 5 को किससे गुना करेंगे 3 से, इसको भी किससे गुना करेंगे 3 से, कितना बनेगा 3/20 बनेगा, 3/20 बनेगा, चलिएगा। इधर देखिएगा, आपको पता है कि यहां पर देखो 20-25 छोड़ो, ठीक है ना, और यहां पर 30 छोड़ो, 35%। अब इधर देखिए भाई, आपको पता है भाई 5% का भिन्न का मान, अरे भाई 5% का भिन्न का मान कितना हुआ 1/20 हुआ, 5 को किससे गुणा करो 7 से, इसको भी किससे गुणा करेंगे 7 से, कितना बनेगा 7/20 बनेगा कि नहीं बनेगा, 7/20 बनेगा। इधर देखिए, आपसे पूछा है भाई 45% का मान बताओ, आप क्या बताओ 45%, डायरेक्ट मुंह जवानी चाहिए, अब मुझे मुंह जवानी चाहिए, ठीक है ना, अब मुंह से निकलना चाहिए। हाँ भाई बोलिएगा, आप मतलब कमेंट करते हो तो मैं समझता हूँ आपके मुंह से निकल रही है आवाज, ठीक है ना, ये मैं समझता हूँ। हाँ भाई इधर आइए, 45% का मान आपका इंतजार कर रहा है, ये 45% आपका इंतजार कर रहा है भाई, ठीक है ना, और बड़े बेसर्वी के साथ इंतजार कर रहा है, क्या बात है, अरे बोलो भाई 45% इंतजार कर रहा है, ये बेचारा वेटिंग में खड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये वेटिंग में है। हाँ भाई ये आंसर आने आप चालू हो गया, दिलकुश मीना, सुरेश मीना, अजीत कुमार, ये लेखराज, विकास, दिव्या सर, क्या बात है। हाँ भाई, अरे भाई आपको पता है 5% क्या होगा 1/20 होगा, 5 को किससे गुना करेंगे 9 से गुना करेंगे, 9/20 बनेगा, क्या बनेगा 9/20 बनेगा, क्या बनेगा 9/20। और ये 55% अब इसकी जगह लेने वाला है, 55% का मान तो आप बताना ही पड़ेगा, अरे भाई 55% का मान बोलिए भाई, फटाफट से बोलिए, कमेंट करो यार 55% का मान बताइएगा, 55% का मान। हाँ भाई कमेंट करो मेरे भाई, कमेंट करना पड़ेगा आपको, कमेंट तो करना पड़ेगा, हाँ भाई कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बात, क्या बात है गगन, गगन चेतन, हाँ भाई सभी करे, 55% आ गया, जितना देखो लेट करोगे ना, लेट नहीं कर रहा, कुछ बच्चे तो क्या है ऐसे सुस्त बैठे होंगे, हम क्यों करें कमेंट, ये कर रहे हैं ना, ठीक है, हम क्यों करें हैं, क्यों बेचारा, क्या पता कहीं हाथ में दिक्कत हो जाए, उनके अंगूठों में दिक्कत हो जाए, क्योंकि और जगह भी तो टाइपिंग करनी है ना उनको, फिर बेचारों को, ठीक है अभी तो रात बहुत बाकी है, ठीक है ना, आई ना बात समझ में, तो आप समझ सकते हो, समझदार इंसान हो। हाँ भाई एक इधर देखे आप, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा कष्ट दे लो इनको। हाँ भाई ये कितना हुआ, ये 11/20 बनेगा, क्या बनेगा मेरे भाई, ये 11/20 बनेगा डियर, क्या बनेगा 11/20 बनेगा। आप ये बताइए 65% तो बता दो, अरे 65% बोलो भाई, 65% पता है, अब बहुत से लोग पढ़ लेते हैं, जानते परसेंटेज, पर अभी भी वो क्या करते हैं, 65 भाग किसका लगा रहे भाई साहब, 100 का भाग लगा रहे, फिर 13/5 65, और ये 5/20 13/20, और फिर सोचते यार हमने पता नहीं कितना बड़ा तीर मार लिया, अरे क्या मार लिया आपने, ठीक है ना। क्वेश्चन सही करना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई क्वेश्चन सॉल्व सही करेगा, जो पढ़ रहा है वो हर कोई करेगा भाई, आप खिना वादा करोगे क्या, ठीक है ना। हाँ भाई क्या बनेगा भाई, अरे तेरा ये क्या बनेगा 65% क्या बनेगा, यस हाँ भाई सुरेश, अजीत, लेखराज, विकास, चेतन, एनके, अरे सभी कमेंट करो भाई, गगन बहुत बढ़िया, दिव्या और बोलिए भाई, कमेंट करो भाई, ठीक है ना, भागचंद क्या बात है, हाँ भाई ये अजीत कुमार, चेतन कुमार, राम प्रसाद क्या बात है, और कमेंट करो, ठीक है ना, चलिएगा। ये कितना बनेगा 13/20 बनेगा, क्या बनेगा 13/20। देखो एक बहुत अच्छी बात जो मुझे समझ में आती है वो ये आती है कि मैं चाहे ऑफलाइन बनाऊं चाहे ऑनलाइन बनाऊं, मेरा हर कोई बच्चा राइट आंसर देता है, ठीक है, हर कोई बच्चा क्वेश्चन करता है, हर किसी से क्वेश्चन बनता है, ये मेरी एक अलग पहचान है जिसको मैं आगे तक लेके जाने वाला हूं, ये मैं आज वादा कर रहा हूं, ठीक है, इस पहचान को कि मैं 100% बच्चों के दिमाग में फीड करता हूं, इसको मैं बहुत आगे तक लेके जाने वाला हूं, ठीक है ना, चलेगा। हाँ भाई देखिएगा, 65% हो गया, 75% तो आप जानते हो, ठीक है ना, चलेगा, क्लियर है ना, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर, जैसे कि मान के चलो ये 75% है, तो 75% आपको पता है कितना होगा, 15/ कितना होगा 20, और भी काट सकते हैं ना, इसको काट सकते हैं किससे, 5 से ये 3 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा 4 बार, कितना हुआ 3/4 हो गया, ठीक है ना। आपसे पूछे भाई 85% का मान बताओ, चलो बताओ आप, अरे भाई 85% तोड़ के दिखाओ ना
85% का मान बताओ। हाँ भाई, हाँ भाई चेतन, इतना कम, बस इतना ही, ज्यादा नहीं। हाँ भाई 85% को तोड़ के दिखाओ भाई, फटाफट से दिखाना है आपको। राधे मीना, ओके चलिएगा। लेखराज बहुत बढ़िया, 85% का मान बताइएगा सभी बच्चे, 85% का मान बताइएगा। हाँ भाई गुड, 85% का मान कितना होगा, ठीक है ना। हाँ भाई 85% का मान क्या होगा, 85% का मान होगा क्या, 17/20 बनेगा, 17/5 85 क्या बनेगा, 17/20 बनेगा भाई, ठीक है ना, चलिएगा। हाँ भाई और बताइएगा, यस कमेंट करो। हाँ भाई आप है ना 95% का मान तो बताओगे ही बताओगे, 95% का मान बताइएगा भाई, 95% का मान बताइए, यस 95% का मान आपको बताना पड़ेगा, यस। हाँ भाई अजीत कुमार, यस कितना हुआ इसका, 19/20 बनेगा, क्या बनेगा 19/20, 105% का मान बताइए भाई, अरे 105% का मान बताइए भाई, 105% का मान बताइएगा, यस 105% का मान बताइए आप लोग, 105% का मान बताइएगा। सॉरी, हाँ भाई 105% का मान बताइएगा, यस चलिएगा। 105% का मान क्या होगा, 19/20 तो ये बोल, मोनीश कुमार मीना, हाँ भाई राम प्रसाद और बोलिए भाई, विकास दिल खुश क्या बात है, एनके, हाँ भाई चेतन बहुत बढ़िया, सुरेश कुमार ये क्या बनेगा, हाँ भाई 21/20 क्या बात है, हाँ भाई ये निकिता गुर्जर, राम प्रसाद ना, चेतन मीना, दिव्या शर्मा, अजीत कुमार, अजीत कुमार, चेतन मीना क्या बात है, हाँ भाई राम प्रसाद बहुत बढ़िया। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर, ये 21/20 बनेगा, क्या बनेगा भाई 21/20 बनेगा, क्लियर है ना। तो ये सब अब आप सोचो अकेले 5% कितनों को लेके चल रहा है, ठीक है ना, अकेला 5% कितनों को लेके चल रहा है, क्लियर है ना। अब ये सब आपको सोके भाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है भाई, कोई जरूरत ही नहीं है आपको यार, सोके भाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई, आपको दिक्कत ही नहीं है, क्लियर है ना। ओके चलिएगा नेक्स्ट, देखिए इधर आओ, इधर आओ, इधर देखें आप, अब देखिएगा जैसे कि मान के चलो 10% की बात करते हैं, इधर देखो 10%, तो देखो 10% का भिन्न का मान आपको पता है कितना, 1/10 होता है, कितना होता है 1/10, 10% का भिन्न का मान कितना होता है 1/10, ठीक है ना। अब आप 20 मिनट और लूंगा क्लास में, 20 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है ना, ताकि कल हम मिक्स फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। देखो ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि परसेंटेज काफी लेंथी चैप्टर होता है, काफी बड़ा होता है, तो हम लोग को थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, बिल्कुल कोशिश करूंगा मैं 1.5 घंटे की क्लास रखूं रेगुलर, ठीक है ना। 10% का भिन्न का मान 1/10, यदि मालूम नहीं है तो 10% आप हटाओगे तो भाग किसका लगाओगे भाई, 100 का, कितना हुआ 1/10 हुआ, क्लियर है ना भाई। चलिएगा फिर देखिएगा यहां पर, मान के चले आपको बताना है कि भाई 30% का मान बनाना है, क्या बनाना है 30%, तो आपको पता है 10% का भिन्न का मान कितना होता है 1/10, 10 को किससे गुणा करेंगे 3 से, इसको भी किससे करेंगे 3 से, कितना बनेगा 3/10 बनेगा, क्या बनेगा भाई 3/10। आपको बनाना है मान के चलो क्या भाई 70% बनाना है, क्या बनाना है 70%, क्योंकि आपको पता है भाई 10% का भिन्न का मान कितना बनेगा, अरे बोलो ना 10% का भिन्न का मान कितना बनेगा 1/10 बनेगा, 10 को किससे गुना करो 7 से, इसको भी किससे करेंगे 7 से। आपको बनाना है 90%, अरे बोलो 90% का मान, अरे भाई बोलिए 90% का मान, अरे 90% का मान बोलिए भाई, कमेंट करो 90% का भिन्न का मान बोलिए, कमेंट करेंगे सभी बच्चे, फटाफट कमेंट कर दो आप लोग, फास्ट कमेंट, फास्ट फटाफट होना चाहिए भाई, ठीक है ना, काम फटाफट होना चाहिए, धुआंधार काम होना चाहिए, धुआंधार चलना चाहिए, ठीक है ना, यही तो बात है, ठीक है ना। जब तक धुआंधार नहीं बनोगे ना, जब तक अपने अंदर वो जोश जुनून नहीं लाओगे ना, तब तक चीजें नहीं, ध्यान रखना सिलेक्शन को खींचना पड़ता है, छीनना पड़ता है, सिलेक्शन ऐसा ही थोड़ी ना हो जाता है, ऐसे ही स्टेज पर नहीं पहुंच जाता आदमी, छीनना पड़ती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, सिलेक्शन छीनना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, बस बस एक ही बात ध्यान रखिएगा। ओके कितना बनेगा भाई 9/10 बनेगा, ठीक है 9/10 बनेगा, इस दुनिया में ना छीनना पड़ता है, अब ऐसे ही आसानी से नहीं मिलती है चीजें, अब तो आपको लड़ना पड़ेगा और लड़ झगड़ कर छीनना पड़ेगा, खत्म,
ये काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके हाँ भाई चलिएगा, बताइएगा 110% का मान तो आप बताओगे, 110% बोलो भाई 110% कितना होगा, 110%। हाँ भाई 130% भी बोलोगे, 110% का मान बोलिएगा भाई, 110% का मान बोलिएगा, 110% कितना होगा भाई, 1/10 कितना होगा, 11/10 होगा, 130% कितना होगा, 13/10 होगा, 170% क्या होगा, 170% क्या होगा, हाँ भाई 170% बोलो, 170% होगा, 17/10 होगा, क्या होगा भाई, 17/10 होगा, क्या होगा, 17/10 होगा भाई, क्या बनेगा, 17/10। आंसर बोलते जाओ, कमेंट करो यार, फटाफट दिमाग को तेज बनाना है भाई। ध्यान रखिएगा, जो धीमे चलते हैं ना, धीमे नहीं चलना है, तेज चलना है, जितना तेज चल सको तेज। जो इंसान तेज होगा ना, वो इस भीड़ में से, इस दुनिया की भीड़ में से आगे निकलेगा। धीमे बन के नहीं रहना मेरे भाई, धीमे लोग जिंदगी में धीमे ही रह जाते हैं। अब वो कहानी नहीं है कि भाई कछुआ खरगोश वाली कहानी नहीं, अब तो आपको खरगोश बनना पड़ेगा, और वो भी टॉप तेज बनना पड़ेगा, और रुकने वाला खरगोश नहीं होना चाहिए। वो कहानियां थी, ठीक है, कि खरगोश रुक गया, अब रुकेगा नहीं ये खरगोश, जब तक नहीं रुकेगा, जब तक ये मंजिल नहीं मिलेगी, जब तक नहीं रुकेगा। अब तेज दौड़ के बस अपन को मंजिल पे पहुंचना है, चाहे रात दिन, ऑनलाइन ऑफलाइन, कैसे भी पढ़ना पड़े, कुछ भी पढ़ना पड़े, हम साथ हैं पढ़ाने के लिए। बस आपको पढ़ना है, आपको अपने सिलेक्शन में 4 चांद लगाने हैं, ठीक है, बस ये काम आपको करना है भाई, चलेगा। हाँ भाई 190% बोलिए भाई, 190% कितना होगा, 19/20 बनेगा, क्या बनेगा, 19/10 बनेगा, क्या बनेगा भाई, 19/10 बनेगा, क्लियर है ना। ये 210% बोलिए भाई, कितना बनेगा, 21/10 बनेगा, क्या बनेगा मेरे भाई, 21/10 बनेगा, क्या बनेगा, 21/10 बनेगा, बिना, हाँ भाई 21/10 बनेगा, ठीक है ना, चलेगा। आपसे पूछे 230% बोलो भाई, 230% तो आप बताओगे कितना बनेगा, 23/10 बनेगा, क्या बनेगा भाई, 23/10 बनेगा, क्या बनेगा, 23/10 बनेगा, बनेगा बिल्कुल बनेगा। ये 270% क्या बनेगा, ये 27/10 बनेगा, क्लियर है ना, मुंह जवानी बनेगा भाई, मुंह जवानी बनेगा, क्लियर है ना। तो अकेले 10% कितनी भिंडों को तोड़ सकता है, कितने परसेंट को निकलवा सकता है, पता है ना आपको, कितनों को निकलवा सकता है, सकता है ना, हाँ सकता है, क्लियर है ना भाई, बिल्कुल निकलवा सकता है, ठीक है ना, चलिएगा आ जाइएगा। फिर देखिएगा, अब हम आने वाले हैं 20% पे। ओके अरे तैयार हो ना, यस तैयार तो होना पड़ेगा कल चलिएगा, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, ओके चलिएगा भाई, तैयार हो ना भाई लोगो, अरे हना बोलिए भाई, कमेंट करो भाई, ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई, ऐसा नहीं चलेगा, शेयर भी करनी पड़ेगी क्लास को, ओके चलिएगा। अब आ जाइए आप 20%, अरे भाई 20%, 20% का मान कितना है बोलिएगा भाई, 20% होता है 1/5। देखो आपको टेबल पता है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं है पता तो आप निकाल लो, 20% हटाओगे भाग 100 का, कितनी बार गया 1/5, तो आप कहोगे भाई 20% का भिन्न का मान कितना बनेगा, 1/5 बनेगा, क्या बनेगा भाई, 1/5, क्लियर है ना। हाँ भाई आपको बनाना है 40% का मान, क्या बनाना है, 40%, आपको पता है 20% का मान कितना है, 1/5 बनेगा, 20% का मान क्या बनेगा मेरे भाई, 1/5, 20 को किससे गुणा करेंगे, यहां पर 2 से गुणा, इसको भी किससे गुणा, 2 से, कितना बन गया, 2/5 बन गया, 60% का मान, इधर देखो बेटा 20% का मान, अरे 20% का मान 1/5, 20% का मान 1/5, 20 को किससे गुणा, 3 से, इसको भी किससे गुणा, 3 से, कितना बनेगा, 3/5 बनेगा, तो 80% बोलो, अरे भाई 80% बोलो, 80% फटाफट उड़ाओ, ठीक है ना, उड़ाना भाई, उड़ाना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, ये उड़ाना है, और बिल्कुल निशाना सटीक जाना चाहिए, ठीक है ना, निशाना चूक गए ना तो फिर बेटा तुम मारे जाओगे, ठीक है ना, ध्यान रखना, या तो किसी से लड़ाई नहीं लड़नी, और लड़नी है तो निशाना ठोकना है, बस खत्म, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यही है भाई, कंपटीशन भी यही है, या तो इस कंपटीशन के मैदान में आना नहीं है, और आना है तो फिर जीत के ही निकलना है, वो लड़ाई लड़नी है हमें, ठीक है ना। हाँ भाई ये लड़ाई हमें लड़नी है, क्या बात है, हाँ भाई हाँ भाई ठीक है ना, चलिएगा। मैं देखो कमेंट काफी बच्चे कर रहे, तो मैं कमेंट कुछ के ही पढ़ पा रहा हूं। हाँ भाई चलिएगा, ये क्या बनेगा, ये 4/5 बनेगा, क्या बनेगा, 4/5
पांच बनेगा, बनेगा ना? हाँ बनेगा, ठीक है चलिएगा। फिर देखिएगा 120%, अरे भाई बोलो 120% का मान बताइए, 120% क्या बनेगा, 120% का मान बताइए, 120% का मान बताइए भाई फटाफट। नजर हटी दुर्घटना, बिल्कुल भाई नजर नहीं हटनी है, ठीक है ना, नजर हटी तो दुर्घटना तो घटेगी। मैंने कहा ना ये भीड़ भक्कड़ बहुत है इस दुनिया में, तो इस दुनिया में भीड़ से निकलना है, इस भीड़ में से आगे बढ़ना है तो नजर हटने नहीं चाहिए, बस अपना टारगेट दिखना चाहिए, ठीक है ना, अपना टारगेट के साथ रहो। हाँ भाई क्या बनेगा, अरे 120% क्या बनेगा, 6/5 बनेगा, क्या बनेगा, 6/5 बनेगा, बनेगा ना, चलिएगा। 140% बोलो भाई, 140% का मान क्या बनेगा, 140% का मान ठोको भाई, फटाफट ठोक दो आंसर। हाँ भाई बोलो ना 140% क्या बनेगा। हाँ भाई नजर के लिए काला चश्मा लगता, हाँ भाई लगता लेंगे, लगा लेंगे, क्या बात है। हाँ भाई ये 140% बोलो भाई, क्या बात है, 140% बनेगा, 7/5 बनेगा, क्या बनेगा, 7/5 बनेगा मेरे भाई, क्या बनेगा, 7/5, 160% बोलो भाई, 160% बोलना पड़ेगा, अरे 160% का मान बोल दो यार। हाँ भाई बोलो भाई, बोलो फटाफट से बोले आप, 160% का मान बोलो भाई। हाँ भाई बताना पड़ेगा यार, अरे ऐसे आपको सोना नहीं है, ठीक है ना। मैंने कहा क्या कहा, जिस कॉन्सेप्ट को लेकर खत्म करके जाऊंगा आज, इस चीज को खत्म करके, क्योंकि ये परसेंटेज बहुत लेंथी चैप्टर है, और ध्यान रखना परसेंटेज अपना बैकबोन अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक का बैकबोन है, ब्रीड की हड्डी है। ध्यान रखना जिस बच्चे का, जिस स्टूडेंट का परसेंटेज टॉप है ना, टॉप, टॉप मतलब ब्रांड, ठीक है ना, टॉप है ना, उसके ध्यान रखना आगे के अर्थमेटिक के चैप्टर भी टॉप होने वाले हैं, ठीक है ना, चलिएगा। इसलिए 160% क्या बनेगा, 8/5 बनेगा, क्या बनेगा भाई, 8/5 बनेगा। 180% बोला भाई, 180% क्या बनेगा, 180% का मान बोलिए भाई, 180% क्या बनेगा मेरे भाई, मेरे दोस्त क्या बनेगा, 180% का मान बोलो, 180% का मान उड़ा दो यार, ठीक है ना, 180% क्या बनेगा, 180% कमेंट चाहिए मुझे फटाफट। हाँ भाई बोलिए 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 भाई फटाफट, 180% का मान कमेंट कर दो फटाफट, टाइप क्या करो, आंख बिल्कुल फोन फट फट टाइप होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ भाई समझ सकते हो आप, एन के क्या बात है, अजीत कुमार, सुरेश कुमार, चेतन मीना, ठीक है ना, दिलखुश मीना, अदिव्या शर्मा, अजीत कुमार, क्या बात है ये बच्चे, विमल कुमार, हाँ भाई ये एंटिक वॉल्प, क्या बात है भागचंद मीना, बहुत बढ़िया। हाँ भाई ये 6/20 क्या बोल रहे हो भाई, सुमेर मीना, ऐसी गलती है मत करो यार आप, ठीक है ना। हाँ भाई ये क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा, 9/5 बनेगा यार, और क्या बनेगा भाई, 9/5। अरे आप ऐसे देखो ना, आपको भूलना नहीं है मेरे भाई, गलत नहीं करना, एक बच्चे का आंसर गलत आ गया तो हमारा दिमाग खोपड़ी चढ़का गई भाई साहब, गलत नहीं चाहिए आंसर, गलत नहीं चाहिए, हम सेट नहीं करेंगे। हाँ भाई इधर देख, अरे मेरे बेटे इधर देख, 20% का मान क्या होगा, 1/5 होगा, होगा ना, 20% क्या होगा, 1/5। अब इस 20 को क्या गुना करें कि ये 180 बन जाए, 9 से गुना कर दो ना, किससे गुना कर दो, 9 से, तो इसको भी किससे गुना कर दो, 9 से, ये लो 9/5 बन गया, और क्या चाहिए भाई, ठीक है ना। चलिएगा ये बताइएगा, क्लियर है ना भाई, यहां तक क्लियर, 220% बना, तो चलो ये लो 220% बनाओ। हाँ भाई 220% का मान बोलो, 220% का मान बोल दो भाई फटाफट से, सभी बच्चे बोल दो 220%। अभी लूंगा मैं 10-15 मिनट और लूंगा क्लास, सुमेर मीना, विकास मीना, क्या बात है भाई, चलेगा। ये कितना बनेगा, 220% कितना बनेगा बोलो, 11/5 बनेगा, क्या बनेगा, 11/5 बनेगा, क्या बनेगा, 11/5। अब आप सोचो 20% से कितनी भिन्न कंप्लीट हो गई अपनी, हो गई ना, अरे यस और नो में टाइप करो, हो गई ना, हाँ बोलो हाँ, यस बोलो यस, हो चुकी है भाई, ओके चलिएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, शानदार जानदार, चलिएगा बहुत बढ़िया। अब हम आगे की बातें करेंगे, ओके चलिएगा, अब हम आगे की बातें करेंगे। तो देखो बेटा 5% हो गया, 4% हो गया, 20%, 10% हो गया, 20% पर बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे किस पर बात करेंगे, अब हम बात करेंगे, यहां पर बात करेंगे
25% पर बात करेंगे। क्या बात करेंगे मेरे भाई? 25% पर बात करेंगे। क्या करेंगे? 25% पर बात करेंगे। हाँ भाई, 25% इधर देखिए, 25% का भिन्न का मान 1/4 होता है। यदि आपको मालूम नहीं है तो 25% जताओ, भाग किसका? 100 का। 25 चौका 100, ये कितना होगा? 1/4 बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई? 1/4 बनेगा। ओके चलिएगा, इधर देखो। अब देखिएगा, यहां पर आपको बनाना है 75%। क्या बनाना है? 75%। इधर देखिएगा, आपको पता है 25% का मान क्या होगा? अरे वही बोलो ना, 25% होता है 1/4। 25 को किससे गुणा? 3 से। तो इसको भी किससे गुणा करेंगे? 3 से। कितना बना? 3/4 बन गया। कितना बन गया? 3/4 बन गया। बन गया ना? हाँ बन गया, बिल्कुल भाई, ठीक है ना। आपसे पूछा है कि आप ऐसा करो, 125% का मान बोलो, कितना होगा 125% का मान? कमेंट कर दो भाई, 125% का मान ठोक दो आप, 125% का मान ठोक दो। हाँ भाई बोलिएगा, पानी खत्म हो गया यार अपना, चलिएगा। हाँ भाई, 125%, 125% का मान कितना होगा? अरे बोलो भाई, किससे गुणा करेंगे? अरे 25 को किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। देखो इधर भाई, 25% का मान कितना होता है? 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। किससे गुणा करेंगे? 5 से। इसको भी किससे गुणा? 5 से। कितना बनेगा? 5/4 बनेगा। क्या बनेगा? 5/4 बनेगा। बनेगा ना? हाँ बनेगा। 150% बोलो। अरे भाई 150% तो चलो हम 50 में ले लेंगे, छोड़ो। हाँ भाई, 175% का मान। अरे भाई 175% का मान बोलो, 175% का मान बोलो भाई। कमेंट करो आज, कमेंटों को नहीं तोड़ना है। हाँ भाई, आज कमेंटों को नहीं तोड़ना है। यस, कमेंट तो आने चाहिए, कमेंट करो भाई आप फटाफट। हाँ भाई गौरव मीना, क्या बात है। हाँ भाई कमेंट करो, 175% का मान क्या होगा? 175% का मान आना चाहिए भाई। हाँ भाई यस, 175% कितना होगा? देखो आ रहा है आंसर भाई, 175% का। बंटी मीना, हाँ भाई लेखराज, क्या बात है। गौरव, हाँ भाई गगन, विमल, एनके, बीपी सिंह, मीना, अजीत, इंटिक बॉल, दिव्या शर्मा, बागचंद, गौरव, क्या बात है गगन, बहुत बढ़िया। ये कितना बनेगा? ये 7/25 बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई? नहीं गलत बोल गए, ठीक है ना। इधर देखो भाई, इधर देखो भाई, 25% का मान कितना होगा? 1/4 होगा भाई। क्या होगा? 1/4। 25 को किससे गुणा करेंगे? ये 7 से करेंगे। 25 से 175 होता है, तो ये कितना बनेगा? 7/4 बनेगा। क्या बनेगा? 7/4 बनेगा। चलिएगा, हाँ भाई बताइएगा, चलो आप बताइए। 225% तो बोलोगे ना, 225% तो बनाओगे आप, मुझे पता है आप लोग बनाओगे। हाँ भाई बनाओगे ना, बनाइए भाई, सभी बच्चे कीजिए। ये 225% का मान आना चाहिए यार, 225% बनना चाहिए भाई, बनना चाहिए। ये 225% बनेगा, आग लग जाएगी भाई। हाँ भाई बनाइए, फटाफट बनाइएगा। यस और नो में जवाब दीजिए भाई, कीजिए। क्या बात है, फटाफट फटाफट आना चाहिए। गुड, ये एन के मीना, इंटेक बॉल, क्या बात है। हाँ भाई सुरेश कुमार, फटाफट फटाफट आंसर देने की, सबसे पहले आंसर देने की होड़ होनी चाहिए कि मैं सबसे पहले दूंगा, ये होड़ होनी चाहिए। जिस दिन ये होड़ आ गई ना कि मैं सबसे पहले हूंगा, ठीक है ना, बस। हाँ भाई कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो कोशिश करते हैं ना कि मैं सबसे पहले आओगे, एक दिन समय लग सकता है, देर हो सकती है, पर एक दिन जीतोगे जरूर। यदि आपने अपने बिल्कुल जोश जुनून में कमी नहीं रखी ना, प्रॉब्लम आती है हर किसी इंसान के साथ इस दुनिया में, प्रॉब्लम है यार, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम वो कहते ना कि भाई कोई कितना गरीब है कि उसके पैरों में चप्पल नहीं है, पर दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पैर ही नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना, मस्त रहना चाहिए, ठीक है ना, बस अपने टारगेट को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। ओके भाई, ये 225%। हाँ भाई 225%, 25% कितना होगा? 9/4। खत्म, उड़ गया ना, और क्या चाहिए भाई, बस क्लियर है ना। अब 25% से रिलेटेड जितने भी आए सबको बना दो, खत्म हो गया ना मामला से आप, और क्या चाहिए आपको है? अब आप सोचो, आपके दिमाग में छोटे छोटे परसेंट कितनी भिन्नों को आप तोड़ सकते हो विद इन सेकेंडों में, और फिर ऐसी कोई भिन्न आ जाएगी जो नहीं टूट रही है, तो भाग सॉल्व कर लेंगे, निकालना सीखा है ना। चलेगा और देखिएगा, अभी बस 10 मिनट और लूंगा, 10 मिनट तो लूंगा, अभी 10 मिनट तो और नहीं छोड़ने वाला, ठीक है ना। हाँ भाई चलिएगा, इधर आ जाइए, इधर देखो बेटा, 50% क्या है? 50% का मान। अब आपको पता है 50% का भिन्न का मान तो 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। अब आप देखो,
50 आप प्रतिशत हटाओगे भाग 100 का, तो ये कितना हुआ 1/2। यदि पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो बहुत अच्छी बात, कोई बात नहीं। इधर देखो, अब आप देखो, आपको बनाना है मान के चलो 150%, क्या बनाना है 150%। तो आपको पता है ना भाई 50% का भिन्न का मान कितना हुआ, 1/2 हुआ, ठीक है ना। 50 को किससे गुना, 3 से, इसको भी किससे गुना, 3 से, कितना बनेगा 3/2 बनेगा, कितना बनेगा मेरे भाई 3/2 बनेगा, बनेगा ना। आपसे पूछा है कि भाई ऐसा करो 250% का मान बताओ, क्या बताओ 250%। तो आपको पता है 50% का भिन्न का मान कितना हुआ 1/2, 50 को किससे गुना करेंगे यहां पर, अरे इसको किससे गुना करेंगे 5 से गुना करेंगे, तो इसको भी किससे गुना करेंगे 5 से, कितना बना 5/2 बना, बनाएगा ना। आप ये बताइए 350%, अरे बोलो भाई, अरे बोलो ना फटाफट, अरे 350% बोलो, अरे बोलो भाई, बोलना पड़ेगा। कुछ लोग अभी सोने की, खास सोने की काय की तैयारी है भाई, सोना नहीं है, ठीक है ना, सोना नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ भाई, जो सो गया वो खो गया, यस। हाँ भाई, अजीत कुमार लेखराज 5/2, ये बताइए भाई। हाँ भाई, 350% का आंसर आना चाहिए, 350% का आंसर आना चाहिए भाई मेरे। हाँ भाई बोलिएगा, 7/2, क्या बात है। एनके विकास अजीत, हाँ भाई बोलिए भाई, क्लास को शेयर करो यार, आप क्लास शेयर नहीं किया आप लोगों ने, चलिएगा एक बार कमेंट करके बताना किस किस ने शेयर किए आज क्लास। हाँ भाई क्या बात है, ओके। इधर देखो, अरे आपको पता होना चाहिए भाई 50% कितना होगा 1/2, 50 को किससे गुना 7 से, कितना बनेगा 7/2, ये लो बन गया ना 7/2 बन गया। आपसे पूछा भाई 450% बताओ, क्या बताओ 450%, अरे भाई 450% का मान बताइएगा, 450% का मान बोलिए भाई फटाफट से, कमेंट फास्ट, कमेंट होना चाहिए फास्ट, कमेंट होना चाहिए भाई, कमेंट फास्ट होना चाहिए माय डियर, ओके, कमेंट फास्ट होना चाहिए, ठीक है ना, चलिएगा, ओके। हाँ भाई क्या बोल रहे हैं भाई राम प्रसाद, क्या बोल रहे हो, ये कितना बनेगा, ये 9/2 बनेगा, क्या बनेगा 9/2 बनेगा। हाँ भाई 550% कितना बनेगा, 550 बनेगा 11/2 बनेगा, 650% क्या बनेगा, 600% 13/2 बनेगा, 750% क्या बनेगा, बोलो भाई क्या बनेगा, ये 15/2 बनेगा, क्या बनेगा भाई 15/2 बनेगा, बनेगा ना। हाँ भाई बोलिए, क्लियर है ना, हाँ भाई क्लियर है ना, ये 850% क्या बनेगा, 850% क्या बनेगा, ये 17/2 बनेगा, ठीक है ना, ये 950% क्या बनेगा, ये 19/2 बनेगा, बनेगा ना, बनेगा भाई, बनना पड़ेगा, ठीक है ना, चलिएगा, बनना पड़ेगा, हाँ भाई बनना पड़ेगा, क्लियर है ना, अरे भाई क्लियर है ना, यस और नो में जवाब दो, क्लियर है ना, बस यही तो चाहिए, ओके, क्या बात है, क्लियर भाई, सभी को क्लियर है ना, मामला सेट है ना, सेट है ना, मामला सेट होना चाहिए, ठीक है ना, मामला क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए, ठीक है ना, ओके। ये देखिए भाई, इधर देखिएगा, चलिएगा, अब हम आते हैं और आगे बढ़ते हैं, इधर देखो भाई, 100% क्या है, 100% का मान तो आप जानते हो कितना होता है, 1 होता है। अब कुछ कहेंगे बच्चे कि सर ये तो भिन्न थोड़ी ना होती है, भिन्न तो अंश बटा हर होता है। अरे मेरे बेटे, इसके नीचे 1 लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अब हो गया ना अंश बटा हर, क्या टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। हाँ भाई, क्योंकि और यहां पर 1 का भाग 1 में लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वैसे भी आप जानते हैं 100% हटाते हो भाव 100 का लगाओ, कितना बनेगा 1 बनेगा, क्लियर है ना भाई, कितना बनेगा 1 बनेगा, ठीक है ना। फिर आप देखिए यहां पर 200% है, क्या है 200% भाग लगाओ, कितना हुआ 2, 300% 3, ठीक है ना, 400% 4, 500%, ठीक है ना, 5, 600% 6, या फिर 6 का परसेंट 5 का, अरे यार गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मैं कहूं भाई 5 का परसेंटेज मान क्या है, आप कहोगे सर 500%, 4 का परसेंटेज मान क्या, आप कहोगे सर 400%, 3 का परसेंटेज मान क्या है, आप कहोगे सर 300%, ठीक है ना, क्लियर है ना। मैं कहूं चलो आप ये बताओ मेरे बेटा, आप है ना 9 का परसेंटेज मान बताओ, 9 का परसेंटेज मान बोल दो भाई, टाइप कर दो आप, कितना बनेगा 900% बनेगा, ठीक है ना। चलो क्या आप तो मुझे 13 का परसेंटेज मान बताओ, क्या बताओ भाई 13 का परसेंटेज मान बताओ, इस 13 का परसेंटेज मान बताओ, हाँ भाई बोलो ना कितना होगा 1300%। कुछ भी हो कैसे भी हो आप लोग जानते हो, खत्म, कुछ भी हो कैसे भी हो आप लोग जानते हो, बस ये चाहिए हमें, ठीक है ना। हाँ भाई आज बताइए भाई, आज तो धमाका हो गया यार, है धमाका हो गया ना, क्या बात है, ठीक है ना, 1.5 घंटे से ऊपर आज हो चुका है, ठीक है ना, 1.5 घंटे बच्चे, और भाई साहब मैं देख रहा हूं
कि भाई 19-20 से नीचे नहीं जा रही है वॉचिंग, ठीक है ना, और मुझे पूरा यकीन है कल ये वॉचिंग 40 से 50 के अंदर होगी, मुझे पता है, ठीक है ना। बस बस मैं आप लोगों से बस आप भी यही दुआ करो कि सर रेगुलर तरीके से क्लास ले, बस इतनी सी आप भी दुआ करना, क्योंकि क्या है समय का ऐसा फेर आ जाता है कभी कभार, काफी प्रॉब्लम है, मैं घिर जाता हूं मैं, क्योंकि वो कहते ना कि अकेला लड़ता रहता हूं मैं चीजों से यार, ठीक है ना, काफी चीजें होती हैं और काफी बातें हैं। हाँ भाई, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्या बात है, डबल धमाका सर आज तो मजा आ गया। ये भाई साहब बस ये आपका प्यार है ना, रियल बताऊं, ये आपका प्यार है ना, ये प्यार ये मुझे बहुत जोश देता है। मैं सही बताऊं आपको, मैं अभी भी कंटिन्यू 4 घंटे और पढ़ा सकता हूं, रियल बता रहा हूं, जो कब, जो मैं सुबह 7 से 8 घंटे में क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं, ठीक है, और अभी भी मैं 1.5 घंटे से पढ़ा रहा हूं, और अब भी मैं आपको कंटिन्यू 4 घंटे और पढ़ा सकता हूं, इतनी और अपने अंदर कैपेबिलिटी है, ठीक है ना। मैं थकता ही नहीं यार, पढ़ाना एक अपना एक मैंने खाना जोश जुनून, बस वही जोश जुनून बस बने रहना। तो बस आपके अंदर भी दोस्तों पढ़ाई का भी वो ही अंदाज होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, आज की क्लास में अपने जितना भी कुछ सीखा है इसको पूरा तरीके से, अब मुझे पता है आप मुझे जाने तो नहीं दोगे, मुझे पता है, ठीक है ना, और मेरा भी मन नहीं कर रहा जाने का, पर कोई ना, क्योंकि कल फिर भी तो जगना है, कल फिर भी शुरुआत करनी है, भाई ऑफलाइन लेना और भाई ऑनलाइन लेना है। तो बेटा कल का इंतजार रहेगा आप लोगों के साथ, वही एक उम्मीद के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जज्बे के साथ। तो ध्यान रखना, जज्बा जज्बा होना चाहिए, एक तगड़ा जज्बा होना चाहिए, एक अपने आप में खुददार होना चाहिए, ठीक है, अपने आप में एक आदमी का एक वजूद होना चाहिए, और वो वजूद अपने अंदर से निकलता है। जब आदमी है ना, जब इंसान एक अच्छी काम करता है और अच्छे दिल के साथ, एक अच्छी नियत के साथ काम करता है, तो वो जरूर सक्सेस होता है। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक ईमानदारी के साथ, एक मेहनत मेहनती बन के, ठीक है, और मेहनत करके आप अपने मुकाम तक पहुंचे, यही मेरी आप लोगों से शुभकामना है। आपको हार्दिक मेरी ओर से शुभकामना है, आज से ही शुभकामना है कि आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचो, और उसके लिए दिन रात, ठीक है ना, उसके लिए जुट जाओ। बस जो जिसने सोचा है ना, और जिसने थामा है, जिसने काम किया है, वो आगे बढ़ा है। तो आप लोग बस ओके, धन्यवाद, आज के लिए हम इतना ही काफी है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल की गहराइयों से सभी को नमस्कार, नम राम, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे हम कितने बजे, भाई 9 बजे मिलने वाले हैं। थैंक यू भाई, सही बता रहा हूं, बच्चों से यार जाने का मन ही नहीं कर रहा, उल्टी वॉचिंग बढ़ रही है, घट नहीं रही है, ठीक है ना, लोगों की क्या है, घटती है, मेरी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो बस ये जज्बा ना, ये प्यार, सही बता रहा हूं, ये मुझे कुछ मत समझो आप, ओके, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।